हरे कृष्णा। सो वी आर कॉन्टिन्यूइंग आर सीरीज ऑन द ग्लोरीज ऑफ शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। सो भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का बहुत ही यूनिक स्टाइल था इन टर्म्स ऑफ सेटलिंग द आर्गूमेंट्स। मतलब भक्तों के बीच में अगर आर्गूमेंट अगर हो जाएंगे तो दोनों पार्टी को बुलाएंगे और कहेंगे तुम इनके तीन गुण बताओ और तुम इनके तीन गुण बताओ। और जब आपस में कला कलेश हुआ होता है ना, दिमाग में इतना आग भरी हुई है, एक गुण नहीं सूझ रहा होता उस वक्त, तो उस व्यक्ति को ये प्रयास करना पड़ता है, गुस्सा थोड़ा नीचे करो तो कूड़ नजर आए मेरे को, ये क्रोध हमें अंधा कर देता है। तो कहते थे अच्छा ठीक है सारा हमने सुन लिया, तुम जो है ऐसी तीन क्वालिटी बताओ। तीन क्वालिटीज़, हाँ अच्छी तीन क्वालिटी अच्छी बताओ, बोले बताओ। बहुत मुश्किल होती है ये, मैंने भी एक बार ट्राई किया मैंने भक्तों के साथ, अगर दो पार्टी का भी है ना उनको बोलो कि ना एक दूसरे को ग्लोरीफाई करो, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा भक्त है वैसे ही मंगल आरती भी आता है, बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति के लिए, लेकिन ये इनके इन प्रकार इन तीन गुड क्वालिटी अगर आया थी ना बोल पाया अगर वो, तो गुस्सा जो है शांत हो जाता है। सो ही वुड ब्रिंग दीज टू पार्टीज एंड लेट ईच अदर ग्लोरीफाई ईच अदर। बहुत मुश्किल होता है लेकिन यही तरीका है जिससे कि अंदर जो आक्रोश है, आग है, जो लावा भरा हुआ है, इट गेट्स डिफ्यूज्ड। तो जैसे उस वक्त अगर दो फैक्शन है जिनमें कि अगर ये हो रखा था कि मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है या प्रीचिंग ज़्यादा ज़रूरी है, जब ऐसा हो रखा था तो उस उन्होंने ये बताया भक्त समारा ने कि एक्चुअली जो भक्त मैनेजमेंट कर रहे हैं वो मेरी वपु सेवा कर रहे हैं, और जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो मेरी वाणी सेवा कर रहे हैं। और गुरु की दोनों तरह सेवा होती है, वपु सेवा भी होती है और वाणी सेवा भी होती है, दोनों तरह से गुरु की सेवा की जाती है। हालांकि वाणी सेवा जो है ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है, क्यों? क्योंकि गुरु उपस्थित हों या ना हो, लेकिन अगर हम वाणी का पालन कर रहे हैं तो वाणी सेवा जो है कर पा रहे हैं हम लोग वास्तव में। लेकिन वपु सेवा करने का कुछों को मौका मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो गुरु के लिए कुकिंग कर दे, उनको मसाज कर दें, उनको डॉक्टर के पास ले गए, उनको लेकर के आए, उनको ट्रैवलिंग करा दी, सो दैट इज वपु सेवा ऑफ गुरु। सो हर व्यक्ति को वपु सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, स्पेशली जैसे माता जीज हैं, माताओं को अक्सर वपु सेवा करने का एक कुकिंग का तरीका है जिसमें वपु सेवा कर लेते हैं, बाकी दे कांट डू मसाज टू गुरु। वो कोई गुरु जो माताओं से जो मसाज करा है वो गुरु है नहीं, वो बदमाश है, वो दे देगा। सो वपु सेवा इज प्रिविलेज ऑफ यू, लेकिन वाणी जो है वो सबकी सेवा, सब सबको ये प्रिविलेज होती है कि वो ये सेवा कर सकें। सो दैट इज ही सेटल दिस। साथ ही उनकी स्ट्रैटेजी भी रहती थी कि ना जो वपु सेवा करने वाले यानी कि जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रीचिंग की सेवा भी दें, और जो प्रीचिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा मैनेजमेंट में का भी टेस्ट कराएं। सो दैट इज क्या है, दोनों को वो दोनों हल्का हल्का टेस्ट कराया करें ताकि दूसरे की सेवा की महानता पता लगे। मैनेजमेंट को ये कोई आसान बात नहीं है, एन मौके पर कई बार बड़े क्रिटिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं उसी वक्त, एंड दे हैव टू बी एक्यूरेट, नहीं तो पूरा प्रोग्राम है तो फ्लॉप हो जाएगा, सुपर हिट हो जाएगा। तो ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है बड़ी क्रिटिकल सेवा, बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है। तो इससे पीछे रहना, जब वो कहीं मैनेजमेंट करेगा तो पता लगेगा अरे हाथ पाँव जो ठंडे हो जाएंगे उसके, कहते हैं अरे भाई वाकई में बड़ी कठिन सेवा है। इस तरह से मैनेजर को बोलो सर कभी आप लेक्चर भी दिया करो, कहते हैं लेक्चर उसके लिए जो उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कहते हैं प्रभु ये पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है, उसमें वो पूरा चैप्टर पढ़ के आ जाएगा और प्रभुपाद जी के 10-15 पास टाइम से पढ़ के आ जाएगा। इसके कहते हैं ये तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, है तो वह लेक्चर के लिए सब कुछ करना पड़ता है, कह नहीं प्रभु इसके अलावा भी बहुत होमवर्क करके रखना पड़ता है। ओह तो दैट फेज जो मैनेजमेंट वाला होगा ना उसको पता लग जाएगा अरे भाई प्रीचिंग करना ये कोई आसान बात नहीं है, मुझको लगता है ये कहानियाँ वहाँ सुना देते हैं, करना का दो चार कहानियाँ बतानी होती है बस, दैट्स इट। मोटा मोटा बताना तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, कृष्ण परम भगवान है, हरे कृष्णा करना है, अनर्थ है हमारे अंदर, काम करो लो मोहम्मद अफसर है, इसी में कहानी लपेट लपूट करके आधा घंटा निकाल दो ना पौना घंटा, उसके बाद हरी बोल बस और क्या, यही तो है, कोई भी कर लेगा। चल ठीक है बैठो जरा बताओ बेटा प्रीचिंग मुश्किल सेवा। तो प्रीचर्स को थोड़ा मैनेजमेंट भी करना चाहिए, और प्रीचर जो मैनेजमेंट करता है ना उसको पता लगता है कि व्यासासन में बैठ कर त्रिनादपि सुनिश्चना बोलना आसान है, मैनेजमेंट में उतरो तो आपके त्रिनादपि का पता लग जाता है, कहता उस वक्त ये श्लोक बिल्कुल भूल जाता हूँ। तो एक्चुअली मैनेजमेंट सब भक्तों को करना चाहिए, थोड़ा बहुत सबको करना चाहिए, वहाँ पर हमारी टेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ बैठ कर बड़ी बड़ी बातें बोलना आसान है लेकिन एक्चुअली सिद्धांत जो हम बोल रहे हैं ना उसका पालन करना अरे तो उसे मुश्किल जाती है। तो इसलिए सही भक्तों को थोड़ा मैनेजमेंट भी करना चाहिए जो स्पेशली प्रीचिंग कर रहे हैं, और जो प्रीचर्स और जो मैनेजर्स हैं उनको थोड़ा प्रीचिंग करनी चाहिए, और प्रीचर्स को थोड़ी मैनेजमेंट भी करनी चाहिए लाइक दैट। एंड बट ही सेड कि ना तुम आप दोनों ही मेरी सेवा कर रहे हो, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं बेसिकली मैनेजमेंट और कुछ नहीं, इट्स अ वैष्णव सेवा। आर की टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट, पर एक्चुअली देखा जाए ना उसका नेचर अगर आप देखें इट इज़ एक्चुअली वैष्णव सेवा। हमें टूर ऑर्गेनाइज करेंगे, भक्तों के लिए कुकिंग करेंगे, उनके रहने का बंदोबस्त करेंगे, ये क्या है,
ऐसा सेवा। तो ये जो टर्म मैनेजमेंट आती है तो उसमें थोड़ा रजस आया था, मैनेजमेंट, ओ मैनेजमेंट, बट एक्चुअली इट इज ऐसा सेवा। इस तरह से लेक्चर बोल देते हैं अलग, किसका लेक्चर है, लेक्चर कौन दे रहा है, बट एक्चुअली इट इज हरी कथा की सेवा किसकी आज, हमें एक्चुअली ये बोलना चाहिए। लेकिन अब इतना कल्चर हो गया तो हम बोल देते हैं मॉर्निंग लेक्चर इसका है, शाम का लेक्चर इसका है, ये लेक्चर वो दे रहे हैं मॉर्निंग, इस तरह से हम बोल देते हैं। पर एक्चुअली हमें क्या बोलना चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग बोलना चाहिए आज हरी कथा की सेवा किसकी है। एक्चुअली हरी कथा जो है बोलना ये सेवा है, क्योंकि सारे भक्त आपको मिलकर के अब आपको एक डेढ़ घंटा देंगे, अपना अपना है डेढ़ डेढ़ घंटा, 100 भक्त बैठे हुए तो 150 घंटे आपको वैष्णव अपने जीवन के दे रहे हैं, तो उन 150 घंटों का सम्मान करना। अब जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा घंटे बहुत बढ़ते जाएंगे, राइट। सो दैट फेज ये सेवा है, हरी कथा करने की हमारी सेवा होती है। तो सो वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द लेक्चर्स, हमें कभी भी हरी कथा को सस्ता नहीं लेना चाहिए, अरे सुना देंगे कुछ भी, भक्तों का समय ऐसे ही है फालतू फालतू ना। सो वी प्रिपेयर फॉर लेक्चर्स ऑल्सो, जैसे मैं भी अगर ये लेक्चर की मैं तैयारी करता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई हमें सेवा है वास्तव में, राइट। तो इसीलिए हरी कथा की सेवा और वैष्णव सेवा दोनों ही वास्तव में सेवाएँ हैं, गुरु को की हुई सेवाएँ वास्तव में। तो इस प्रकार से ही वुड से दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ही वुड गिव एनालॉजी, जैसे कि ना सब्जी जो कुकिंग होती है, सब्जी कुक कैसे होती है, यूटेंसिल भी होना चाहिए उसके लिए और फायर भी होनी चाहिए उसके लिए। तो जो यूटेंसिल है वो है मैनेजमेंट और जो फायर है वो है प्रीचिंग। अगर फायर हो लेकिन और सब्जी हो लेकिन यूटेंसिल ना हो तो भाई कहाँ डालेंगे उसको, राइट। तो इसलिए सारी सब्जी एक जगह रहे उसके लिए वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है वो दैट इज़ मैनेजमेंट, ओके। और जो फायर है वो है प्रीचिंग, प्रचार की अग्नि में ही सब कुछ पकता है। सिर्फ मैनेजमेंट हो, प्रचार उचार ना हो तो सब लोग इकट्ठे तो हो जाएंगे लेकिन सब्जी पकी नहीं, भक्ति पकी नहीं किसी की, क्योंकि अग्नि नहीं थी, प्रचार की अग्नि नहीं थी। तो हरी कथा भी होना ज़रूरी है, दैट इज़ कम्पेयर टू द फायर, और जो यूटेंसिल है दैट इज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट। सो दैट वेज बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो भक्तिदास ठाकुर इन दिस वे ही सेटल बोथ ऑफ देम। एक बार किसी ने उनसे पूछा तो आप कैसे हैं, कैसे हैं आप, उन्होंने बोला वैसे तो मैं ठीक हूँ लेकिन मेरा ये शिष्य है कुंज बिहारी प्रभु, ये ना मेरे को हमेशा हरी कथा नहीं करने देता, तो इसलिए मैं हरी कथा नहीं करता तो मैं मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं जब हरी कथा करता हूँ मैं ठीक हो जाता हूँ। तो अभी मैं हरी कथा कर नहीं रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे को मना कर रखा है कि अभी आपको आराम करना, आप बहुत थक गए हैं, तो मैं करंटली आई एम अनवेल, एज सून एज आई स्पीक स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट हरी सो देन आई विल बी वेल। तो ये उनका जवाब था इसमें। एक बार किसी ने पूछा कि ना गुरुदेव मैं मठ में मैं बड़ा प्रयास करता हूँ, मेरी कोई बात नहीं मानता है, बात नहीं सुनते मेरी ये लोग। तो बक्सा महाराज ने कहा बींग अ लीडर यू आर टू बिकम एग्जेम्पलरी। उन्होंने बताया क्या, तो हमने 64 वाला जब करते हो 64 राउंड्स, कहते हैं हाँ गुरुदेव मोस्टली, मतलब हमेशा नहीं कर पाते, कहते अगर आप एग्जेम्पलरी नहीं होंगे तो फिर लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। सो यू आर टू बी एग्जेम्पलरी ही सेड। एक बार तुमको बुलाया गया एक प्रोग्राम में एंड देयर वाज सम मायावादी ऑल्सो, ही वाज ऑल्सो इन्वाइटेड। अब नाउ क्योंकि इनके इनका रेपुटेशन बहुत थी, यश बहुत था, तो दैट इज ही वाज अलाउड टू स्पीक फर्स्ट। तो उन्होंने पहले बोला, अब जब बोल करके जो है जब बैठे थे तो जस्ट ही गेव अ ग्लांस टू द मायावादी, सिर्फ एक ग्लांस ही पड़ी उस अद्वैतवादी निराकारवादी को, तो वो उसी ग्लांस में इतना कन्वर्ट हो गया, उसमें इतना ट्रांसफॉर्म हो गया कि माइक आगे आके बोला हम क्या बोले, महाराज जी ने सब कुछ बोल दिया, धन्यवाद। सो ही वॉज कन्वर्स जस्ट बाय द ग्लांस ऑफ भक्तिदास ठाकुर, इमेंस। और प्रीचिंग स्टाइल के ना कई इनोवेटिव तरीके वो निकाला करते थे भक्तिदास ठाकुर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, अगर कोई जहाँ पर वो हैं, अगर उनका वास है तो जहाँ पर वो रह रहे हैं, उनका जो क्वार्टर्स हैं उसके बाहर से अगर वो गुजर रहा है ना अगर अंधेरे में, तो पहले तो अभी स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करते, अभी सोडियम लैम्प की लाइट वगैरह आ गई काफ़ी, सो अंधेरे में ना उसको बोल देंगे तू फंसा हुआ है, फंसा हुआ तू, फंसा हुआ है तू, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, लेकिन निकलना चाहता है तो कल सुबह इसी जगह आ जाइयो। तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोल नहीं सकते उसको एकदम से, ओ ही वुड बी स्टंड, और फिर देन ही वुड स्टार्ट प्रीचिंग टू, और स्टेट में उसको प्रीचिंग कर देंगे उसको, वहीं कभी उसको हरी कथा हरी नाम दे, शॉर्ट कथा क्रैश कोर्स। सो कभी कभी ही वुड हैव दिस वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ प्रीचिंग एज वेल, कि अंधेरे में प्रीचिंग कर देना इस प्रकार से। एंड ही हैड इनक्रेडिबल मेमोरी, उनके हजारों शिष्य थे और हर एक शिष्य को वो नाम से जानते थे, हजारों शिष्य थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना वो आप जाने पहचाने लग रहे हैं, मैं गुरुदेव में आपको डिसाइबल हूँ, कहते हैं मैं वही कहूँ लखनऊ में तुमसे मिला था मैं।
Never ever. He had incredible memory. He remembered all of his thousands of disciples by name. Aisa. Aur in fact, guest reception mein he was so pakka ki agar koi guest raat ko 11 12 baje bhi agar aa rahe hain, even then he would send the brahmacharis ki aap 11 baje 12 baje rahe, lekin aap ja kar ke lekar ke aao unko. Aur agar wo aaye unko bhook lagi hui hai to ye kehna allowed nahi tha ki na prasad to ab hai hi nahi. Even at that time cooking would happen aur prasad milega guest ko. Matlab that was the quality of service he would have. In fact, ye sochiye agar 10 saal tak Subhash Chandra Bose ghar pe Jagannath ji ka mahaprasad bhijwaya Bhaktisiddhanta Thakur ne, just see the kind of cultivation he was doing. Subhash Chandra Bose jahan kahin bhi hain lekin wo unka kalyan to ho gaya kyunki Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ji ne 10 saal tak unke ghar mein prasad bhijwaya Jagannath ji ka. The kind of cultivation, even though वहाँ से कोई response नहीं है, he was busy with INA, Indian National Army. लेकिन उनके घर में प्रसाद जाता रहा कि अगर ये इनके प्रकार हैं, सुभाष चंद्र बोस जो देशभक्त हैं वो धीरे धीरे हरिभक्त भी हो जाएं. So the patience he had, wow. But of course, कभी अगर कोई गेस्ट अगर उल्लंघन करेंगे अपनी मर्यादा का तो डांट भी लगा देंगे. एक ऐसे एक गेस्ट था वो ना हर महीने 2 रुपये डोनेशन दिया करता था. तो उसको बात था बड़ा गुमान था भाई, हम तो 2 रुपये हर महीने में डोनेशन देते हैं हम तो ना आएगा लेट और ना सबको ऐसे फांदा भूंद आएगा, इसके ऊपर लांगेगा उसके ऊपर लांगेगा, लांगते लांगते आकर के सामने आकर बैठ जाएगा. तो भक्ति महाराज ने कहा क्या तुमको लगता है तुम्हारे 2 रुपये महीने की डोनेशन से तुमने मुझे खरीद लिया है क्या? ये तरीका होता है भक्तों के ऊपर लांगते लांगते आ रहे हो? कभी वैसे मगर आते हैं ना, वी शुड ऑलवेज, अगर आपको आगे आना है तो, वैसे तो हम अगर लेट आते तो हम पीछे बैठ जाते हैं. Like that, जैसे हम देखते हैं विचित्र को आज humbly he is sitting backside. That's his humility. पर अगर जैसे कभी आना आगे आना पड़ता तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे हाथ जोड़ करके जो जहाँ 2 लोगों के घुटने जुड़ रहे होते हैं वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं क्या ये दरवाज़ा खुल सकता है? हाँ श्योर श्योर हाँ खुल सकते हैं. एंड देन ही पास. तो हमें वो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ लांगे वहाँ लांगे वहाँ लांगे वहाँ लांग लांग के आगे ऐसे आगे पहुँच गए. हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसे ऐसे क्योंकि सारे ब्रिज बांधते लांगते हुए हम ये यहाँ बाढ़ आ गई अभी तो भाई साहब. सो जब ऐसा था देन ही चेस्टाइज दैट पर्सन, चेस्टाइज. इनफैक्ट ऐसा जैसे कई बार होता है ना, जैसे जब लोग क्लास से बैठे आते हैं क्योंकि दर्शन बंद हो रखे हैं अभी, क्या चलो टाइम पास ही करना है, आधा घंटा है निकालते हैं, इनके पास टाइम ही निकाल लेते हैं. तो बैठ गए, जैसे दर्शन खुले तुरंत उठ गया था, तुम्हारी कथा हंस गई भाड़ में, हम तो अभी दर्शन करने जा रहे हैं. तो लोग अक्सर ऐसा करते हैं, हम देखते हैं आज भी टब्बस में ऐसा करते हैं. उस वक्त भी जब ऐसा कुछ लोगों ने किया तो भक्त महाराज ने कहा दे हैव गॉन फॉर आई एक्सरसाइज, दे हैव गॉन फॉर आई एक्सरसाइज. और वो जब दर्शन करके वापस आए तो उनको बोला भक्त महाराज ठाकुर ने, तो आपकी आई एक्सरसाइज कैसे रही, आपका आँखों का व्यायाम कैसा रहा? तो उनको समझ में नहीं आया. तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जब तक आप दर्शन सुनेंगे नहीं आपको दर्शन कभी होंगे नहीं. तो दर्शन सुनने का मतलब यही है कि वास्तव में अपने कानों के माध्यम से अपनी आँखों को तैयार करना कि मैं प्रभु के दर्शन कर सकूं. दर्शन करना इज नॉट जस्ट कि हमने उनके देख लिया कपड़े हैं, ब्लू रंग के कपड़े पहने हैं आज, ये वाला फूल लगाया हुआ है अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड आज ऑरेंज है, कपड़ा येलो है, मैचिंग है, दर्शन हो गए जी. दर्शन मतलब वो डिविनिटी होनी चाहिए उस दृष्टि के अंदर, वो दिव्यता होनी चाहिए उस दृष्टि के अंदर. तो इसीलिए कभी हरिकथा चल रही हो हरिकथा को ऑनर करना चाहिए क्लास. जैसे मान लो दर्शन खुल गए जैसे डिवोट करते हैं प्रणाम कर लें एंड देन वी कंटिन्यू टू हियर, तो ये करना चाहिए. लेकिन जो नौसखिए भक्त होते हैं, नौसखिए होते हैं जो बाहर के हमने देखा गेस्ट वगैरह भी आते हैं, वो क्लास के बीच में उड़ जाते हैं ऐसे, ये क्या है तो गप मारते रहेंगे. मेन तो प्रभु के दर्शन करना है. नहीं, मेन है प्रभु के दर्शन सुनना. जब उनका दर्शन सुनते हैं तो हम वास्तव में दर्शन कर पाते हैं. तो इसे आपकी आई एक्सरसाइज कैसी रहेगी? जैसे आइंद्रपू थे ना, आइंद्रपू भी डांट लगाते थे ऐसे भक्तों को जो कि ना आगे आकर बस ऐसे खड़े हो जाएंगे, ना कीर्तन करेंगे ना कुछ, बस देखते रहेंगे राधा श्याम सुंदर को. तो आइंद्रपू जो है एक भक्त के पास है, कहता आर यू डूइंग गूगल ऑन द ड्यूटीज ऑफ द लॉर्ड, तुम्हारी दो आंखें गूगल हैं ये. वुड से व्हेन यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ द ड्यूटीज यू शुड सिंग हरे कृष्णा, यू शुड सिंग हरे कृष्णा बोला करते. सो ये सेवा जो है ये करनी चाहिए पास में. फिर एक बार तो आइंद्रपू जो है वो रहता है व्यक्ति को ना ये दैट ही शुड सिंग, वो बोल नहीं रहा सिंग हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे सिंगिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा. I say you should sing, everyone should sing. वो व्यक्ति वो है तो आइंद्र उसको बोले यू शुड सिंग हरे कृष्णा अदरवाइज आई विल किल यू.
No, literally, but but actually, yes, we should do this. Deity's family, we should do some seva, service. Yeah, that's the thing. So that is he chastised those guests, those neophytes. In fact, he was always against कि कभी किसी even जानवर के प्रति भी हिंसा नहीं करनी चाहिए. सो एक बार मिदनापुर नाम का स्थान था, वहाँ पर तांगे में जो है व्यक्ति को लेके जा रहा तांगे वाला और ना मार रहा था घोड़े को. तो तांगे वाले को डांट लगा दी बक्सा सर साहू ने, क्या तुम्हारे में तुमको समझ नहीं आता कि ये भी जीव है और ये भगवान का एक अंश है और तुम उसको कोड़े मार रहे हो. इतनी डांट लगाया उसने कहा, मैं पता नहीं तांगा मैं कैसे चलाऊंगा, लेकिन मैं अभी तो बोलूंगा चल 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 भाई. सो ही कुड अंडरस्टैंड दैट, बट दैट वाज ए कंपैशन. In fact, cow slaughter के खिलाफ ही he wrote some of the articles that we should respect cow. Cow is very important because उसका जो milk है वो धार्मिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है. So that means he would say that we should not do any kind of violence against the animals. और इतने विनम्र थे कि अगर कोई उनके पाँव छूना चाहता था होता था तो उनके आगे हाथ जुड़िया करते थे और कहते दासवस्मि. Whenever anyone would pay obeisances to him, he would say दासवस्मि. And he would return pranams many of the times and would say dasos me. तो पाँव अपने छूने नहीं दिया करते थे. और उनकी विनम्रता की ये भी था मतलब पराकाष्ठा, that he would even call his disciples प्रभु and he would sometimes even seek blessings from his disciples. क्योंकि वो ये देखा करते थे कि ना ये disciples मेरे disciples नहीं, मेरे गुरुदेव के disciples हैं. तो अगर कोई भक्त बहुत ही गहराई से कीर्तन कर रहा है ना तो वो रहता था मेरे गुरुदेव यहाँ पर, इसमें उनकी आशक्ति का आवेश आया हुआ है और इसलिए इतने सुंदर तरीके से कीर्तन कर रहा है. एंड ही वुड लिसन टू दैट कीर्तन एंड फॉलो दैट कीर्तन एज इफ माई गुरु के जो उनके आवेशित शक्ति है उसके द्वारा कीर्तन है. तो मुझे को अभी गाना गाना चाहिए बिकॉज माई गुरु सिंगिंग थ्रू हिम. और वो बहुत सुंदर हरि कथा करता था तो उनको ये विश्वास लगता था कि ना ये वास्तव मेरे गुरु की कृपा से आवेशित है तभी इतना सुंदर हरि का गुणगान कर रहा है. सो वुड सिट इन द क्लास एज इफ हिज गुरु इज ग्लोरीफाइंग. और ये आइडियल शिष्य की निशानी होती है, वो अपने गुरु की उपस्थिति सब और देखता है, सब और देखता है वो. और जो इस लेवल पे आ चुका है ना, जो कि हर स्थान पे हर जगह पर ये देख रहा है किस तरह से मेरे गुरु इसके माध्यम से मुझको ये सिखा रहे हैं, इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे ये सिखा रहे हैं, इसका मतलब ही हैज एक्चुअली इवॉल्व्ड इन गुरु भक्ति. ऐसा हुआ था हमारे यहाँ एक मधुसूदन पहुंच, जैसे कि एक बार उनको लोकनाथ महाराज ने आकर बोला कि आप लोग ना यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो इस एरिया में और उस एरिया में जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो. तो प्रभु ने बोला, ही वॉज शेयरिंग विद डिवोटीज विद मोहन प्रभु जी, ही सेड मुझको ऐसा लगा ऐसे गुरु महाराज बोल रहे हैं, गुरुदेव इज गोपाल कृष्ण महाराज. तो प्रभु ने उनको ये बताया, दैट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग इन योर गुरु भक्ति. क्या हर जगह ये देख पाते हो कि ना इन वैष्णव के माध्यम से मेरे गुरुदेव मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लाइक दैट. सो इस तरह से भक्तिदास ठाकुर इवन अपने शिष्यों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि एज दे आर डिसाइपल्स ऑफ माई गुरुदेव एंड वुड कॉल देम प्रभु, कुंज बिहारी प्रभु और अभय प्रभु और समटाइम्स लविंगली अभय बाबू, like that. So that was his attitude, very very humble. Unki preaching spirit was amazing, extraordinary preaching spirit. So isse bola karte, I wish that every tender hearted soul were my disciples, they should be ready to spend gallons of blood to nourish the spiritual corpus in the material world of the living entities. Is bhauti jagat ke andar jo log hain adhyatmik roop se mar rakhe hain na, unki us आध्यात्मिक शव को नरिश करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सारे डिसाइपल्स को, दैट दे शुड बी रेडी टू स्पेंड गैलन्स ऑफ ब्लड टू नरिश देम. वास्तव में होता यही है, भक्तों की तपस्या में तपने के कारण संसार का ताप कम होता है. यही प्रीचिंग है. प्रीचिंग है क्या, जब वैष्णव जब खुद तपता है और उस तपिश से बेसिकली क्या कर रहा है, जो संसार की जीवात्मा उनकी तपिश को कम कर रहा है. दैट्स द थिंग. सो ही सेड दैट ऑल द टेंडर हार्टेड सोल्स, all those who are tender hearted souls who are my disciples, he would say that like that. Aur sadhu ke bare mein especially bola karte hai, sadhu means who speaks the truth. Sadhu kabhi na chamchagiri nahi karta. Haan ji bada acha kar rahe hain aap, acha meat khate hain, ha bilkul protein hota hai iske andar, badhiya badhiya baat hai. That's it. Jo sansar mein already chal raha hai, ha jo aap karna chahe kar sakte hain. Vastav to basically jo flatter karta hai logon ko, उनकी हाँ में हाँ मिलाता है ताकि ये हमारे साथ जुड़ जाएं, ये मेरे को डोनेशन दें ना. सो ही वुड से दोज हु आर एस्टैब्लिश्ड इन ट्रूथ दे कैन प्रीच द ट्रूथ, दोज हु आर नॉट एस्टैब्लिश्ड इन ट्रूथ दे कैन नॉट प्रीच द ट्रूथ.
एज सिंपल एज दैट. सो साधु अगर आपकी चापलूसी करता है, आपकी जय जयकार करता है, अरे वो अच्छा कर रहे हो, आप गंदे काम कर रहे हो, हाँ करते रहो करते रहो, हमको डोनेशन देते रहो. सो साधु हु फ्लैटर्स यू ही इज योर एनिमी, वास्तव में दुश्मन है ऐसा. और बहुत फेमस उनकी जो टर्म है जो अक्सर श्री प्रभुपाद भी कोठिया करते थे, वो था प्राण आचे यार से हेतु प्रचार. दोज हु हैव लाइफ दे कैन प्रीच, दोज हु आर लाइफलेस दे कैन नॉट प्रीच. अच्छा तो लाइफ वाला कहाँ से आती है? सो समबडी आस्क्ड हिम दैट फ्रॉम वेयर कम्स लाइफ, पर लाइफ कहाँ से आती है? ही सेड दोज हु आर अटैच्ड टू द लोटस फीट ऑफ श्री गुरुदेव दे हैव लाइफ, दोज हु आर नॉट अटैच्ड टू द लोटस फीट ऑफ गुरुदेव दे वुड नॉट हैव लाइफ. जो अपने गुरु के चरणों से आ सकते हैं, तो गुरु के चरणों से ही जो हमें शक्ति प्राप्त होती है ऐसा. तो उस व्यक्ति को ये देखना चाहिए दैट एक्चुअली माई गुरुदेव इज सिचुएटेड एट द लोटस फीट ऑफ बलराम एंड द वाणी ऑफ गुरु इज बलराम शक्ति. द वाणी ऑफ गुरु इज बलराम शक्ति. बलराम जी की शक्ति किस कैसे हमारे तक पहुँचती है? गुरु तत्व की शक्ति बाई दी वाणी ऑफ श्री गुरुदेव. तो जो व्यक्ति बार बार उस वाणी जो कि बलराम जी की शक्ति है उसमें स्नान करता है, उसमें आएंगे प्राण. और ऐसा व्यक्ति कर पाएगा प्रचार. प्राण आछे यार से हेतु प्रचार. दोज हु हैव लाइफ दे कैन प्रीच, दोज हु आर लाइफलेस दे कैन नॉट प्रीच लाइक दैट. और अहिंसा का उन्होंने क्या बताया कि वास्तव में अहिंसा क्या है? उसको यह बहुत फेमस था अबाउट मंडेन मोरालिटी. मंडेन मोरालिटी और स्पिरिचुअल मोरालिटी और एब्सोल्यूट मोरालिटी में ही वो डिफ्रेंशिएट कि किसी को सच बता करके उसको दुख पहुंचाने से अच्छा है चुप रहो. इसको हिंसा बोला करते थे. नॉट टू प्रीच इज हिंसा. हम जब प्रचार नहीं करते तो व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्र पड़ा रह जाएगा, तो ये हिंसा है. इससे ज्यादा जरूरी है हम सच बताएं, उसको पाचन करने में थोड़ा समय लग जाए दैट्स ओके, लेकिन हमें सच बताना चाहिए. साधु को सच बोलना चाहिए, साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए, या उसको या फिर सच को जो है घोल मोल करके नहीं बताना चाहिए. कृष्ण परम भगवान है, हाँ जी वही परम भगवान है, जीवन अलग लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, हम जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है वास्तव में. क्लियर? तो इसीलिए ही वुड से कि एक्चुअली नॉट टू प्रीच इज वायलेंस. वायलेंस सो एब्सोल्यूट मोरालिटी को एक्सप्लेन करते ही वुड गिव द एग्जांपल ऑफ वन पॉलिटिशियन ऑफ एंशियंट इंडिया हु वुड हैव टू लेडीज हियर एंड देयर. ठीक है, उनके साथ चला करते थे और वो अहिंसा के प्रचारक थे. तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ये दो लेडीज़ आके अगल बगल में चलती हैं, अगर इनको कोई मोलेस्ट करता है तो भी क्या आप अहिंसा का ही पालन करेंगे? अब ये बड़ा तो बड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई. तो अगर उन्होंने कहा नहीं मैं अहिंसा करूँगा, तो वो कहते हैं लेकिन आप तो अहिंसा के पुजारी हो, तो फंस जाएंगे. सो ही सेड हाँ मैं तो भी अहिंसा का ही पालन करूँगा. ये दोनों माताओं ने सुना, कहते अच्छा जी ठीक है, फिर हम चलते हैं फिर. सो दीज लेडीज़ दे डिसकॉन्टिन्यूड बीइंग विद दिस पॉलिटिशियन, रीजन बींग ही डजेंट नो द राइट एप्लीकेशन ऑफ हिंसा. हिंसा कहाँ होती है? हिंसा हमें करनी होती है जो जीवात्मा के अंदर जो उसकी कमजोरियाँ हैं, उसकी आसक्तियाँ हैं, उसके प्रति हिंसा करनी चाहिए. सो ही वुड से जिस तरह की ना जैसे भेड़ बकरी होती है ना, उसको घास के द्वारा आकर्षित किया जाता है, घास दिखा करके. जो कसाई होता है उसको घास दिखा कर आकर्षित करता है, या उसको घास खिला भी देता है, उसके बाद फिर करता है. उस तरह से साधु को भी करना चाहिए. साधु की जो वाणी है वो चक्कू के समान होनी चाहिए. चक्कू काम क्या होता है? बकरी गर्दन काटना. तो उस तरह से संसार के लोग भी आ सकते हैं, लोगों को आकर्षित करना चाहिए बाय हैविंग बिग बिग टेम्पल्स एंड फेस्टिवल्स. लोग आएंगे हम आ गए, हम आ गए, आ गए, ठीक है, वेरी गुड. लेकिन उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या होना चाहिए? हमारा प्रोग्राम होना चाहिए उनकी जो सांसारिक आसक्तियाँ हैं वो कटें, बजाय कि हम उनकी सांसारिक आसक्तियों को नरिश करें, बल्कि उनकी सांसारिक आसक्तियाँ कटें. तो साधु का काम यही है. और हमको भी साधु के पास इसी मंशा से जाना चाहिए. साधु के पास इस मंशा से नहीं जाना चाहिए कि वो हमें आशीर्वाद दें, हमारा बिजनेस फले फूले, हमारी तीन लड़कियाँ हो गया लड़का हो जाए, या तीन लड़के हो गए लड़की हो जाए, मेरा ब्याह नहीं हो रहा, मुझे मांगली लड़की मिल जाए, मांगली लड़का मिल जाए. कई लोग इसके लिए भी जाते हैं गुरु के पास. गुरु इज़ नॉट फॉर दिस. जैसा मुझे याद है 101 एक गोपाल कृष्ण कुमार के पास एक माता पिता आए, कहते ये हमारे बेटे को बोलिए शादी कर ले, तू बोलिए इसको आप शादी कर ले. महाराज ने कहा देखिए मैं सांसारिक गुरु नहीं हूँ, मैं इस तरह के सांसारिक आशीर्वाद नहीं देता. सो सिंपल एंड सो स्वीट. देखिए मैं ऐसे सांसारिक आशीर्वाद नहीं देता. उसकी शादी की इच्छा वो कर सकता है, लेकिन मैं उसको आशीर्वाद दूँ नहीं, तू घर बसा ले संसार के अंदर, जबकि वो ब्रह्मचारी बनने की उसकी इच्छा है,
वो एक्चुअली ब्रह्मचारी, ये ज्वाइन एज ब्रह्मचारी, उसका साइन, उसका नेचर यही है और वो सेवा भी कर रहा था। तो माता पिता चाहते नहीं तो शादी कर ले, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं करूँगा, नहीं तो कर ले, नहीं मैं नहीं करूँगा। तो कहा चल तेरे गुरु से प्रेशर दिलवाते हैं फिर तेरे ऊपर, तो ये उनका प्लान था। वो आने का देखिए मैं तो ऐसे सांसारिक आशीर्वाद नहीं देता, वो शादी करना चाहे उसकी इच्छा है तो मैं उसको ये आशीर्वाद दूंगा, ठीक है उसमें भक्ति करे, लेकिन हम ये कहें नहीं तुम सब शादियाँ कर लो, कुमारियाँ ढूंढो, तुम कुमारे हो कर लो शादियाँ, ऐसे आशीर्वाद तो सांसारिक गुरु देते हैं, मैं तो नहीं करता, सिंपल ऐसा है। सो दैट वेज, तो जो वैष्णव होते हैं उनकी वाणी इसीलिए ताकि हमारी आसक्तियों को काटे, तो चक्कू के समान होती है। तो वैष्णव वाणी इज लाइक द नाइफ, तो हमें जाना ही चाहिए, अपनी कमजोरी को एक्सपोज करना चाहिए ताकि वो काटे इसको, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्लैटर्ड बाय देम लाइक दैट। तो इसलिए भक्तान सर्वा को रिव्यूट से पृथ्वी ते जत कथा धर्म नाम चले, पृथ्वी पे धर्म के नाम पे जो कुछ भी चल रहा है वास्तव में वो है क्या, भागवत कहे तहाँ परिपूर्ण चले। इस संसार में धर्म के नाम पे जो कुछ चल रहा है वो असल में छल ही है, ये धर्म वो धर्म, दिस इज़म दैट इज़म वो इज़म ये वाला इज़म, जितने इज़म हैं असल में छल है, से छल है। असल में डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा दैट्स द ओनली धर्म, बाकी सारे सारे धर्म हैं, ये धर्म वो धर्म, शरीर से संबंधित धर्म है सारे के सारे, तो ये सब क्या है छला। भागवत कहे तहाँ परिपूर्ण छले, और एक बोगस मिशन वाले थे उनको तो यतो मत तथोपत वाले, ही वुड डिस्ट्रॉय देम, यतो मत तथोपत, कहते क्या है यतो मत तथोपत, अगर कोई यहाँ से किसान भी आना तो हमें कहेंगे जिस रास्ते चले जाओ जी, सब रास्ते गुड़गांव जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ से निकल जाओ ये गुड़गांव जाते हैं, ये नजफगढ़ से निकल जाओ गुड़गांव, वहाँ से ग्रेटर नोएडा से निकल जाओ गुड़गांव, सब जगह से गुड़गांव ही पहुँचेंगे आप, ऐसा थोड़ी होता है। सो ही वुड कम्प्लीटली डिमोलिश दिस। और साथ ही एक व्यक्ति था, कहते देखिए आप जानते हैं आप बहुत दक्ष हैं, एक काम करते हैं आप भी चुप हम भी चुप। तो भक्त साहब हमारे कहा इसका हम आधा फॉलो करेंगे, तुम चुप हम तो चुप नहीं रहेंगे। प्रभुपाद के पास भी एक व्यक्ति आया था, कहते हैं स्वामी जी देखिए ऐसा करते हैं काय का आर्गू करना, मैं जो कह रहा हूँ आप मान लो, आप जो कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, तो लड़ाई वड़ाई माफ़ करते हैं और क्या, ठीक है जी मैं आगे नहीं बोलूँगा, लड़ाई वड़ाई माफ़ करते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ आप मेरी बात मान ली। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम मेरी बात मानोगे ना, कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं कहा ठीक है मैं बोल रहा हूँ तुम गधे हो मानो, तुम्हें भी चुप तुम भी चुप, या मैं भी आपकी बात मान लूँ मेरी बात मान लो, क्या क्या क्या। तो समटाइम्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स वन डजंट इवन डिस्कस अबाउट द ट्रूथ, सच्चाई क्या उस तक पहुँचने का हम प्रयास नहीं करते, सो ही वुड कम्प्लीटली कंडम दैट। तो इसलिए भक्तिसान सरसा का जो स्टाइल था ना, इट वॉज मतलब वो स्टीरियोटाइप साधु वाला नहीं था उनका स्टाइल, इट वॉज नॉट लाइक दैट, बोलने वाले प्रीचिंग करने वाले इट वॉज लाइक दैट एक्चुअली। और साथ ही उनको उनका जो उनका स्टाइल था प्रीचिंग का, उसको शिल्प बोलते हैं, माई गुरुदेव यूज टू डू चॉपिंग टेक्निक, और समटाइम्स ही वुड कॉल इट एग्रेसिव ग्रेस, ये ग्रेस है बट इट इज वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ ग्रेस। और साथ ही बोला करते थे मोर डिटर्मिंड वी आर इन डिवोशनल सर्विस बोल्डर द प्रीचर वुड बी वाइल प्रीचिंग, जितना कोई भक्ति में गंभीर होगा उतना ज़्यादा वो बोल्डली प्रीचिंग कर सकेगा। अब मैंने सिर्फ बोल्ड प्रीचिंग ना, बोल्ड प्रीचिंग का एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, ऑफन पीपल ट्रांसलेट बोल्ड इनटू रूड, बोल्ड मतलब बदतमीज से बोला आई वॉज वेरी बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है हम सत्य को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो सच है वो बोलेंगे, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है हम जब तक उसमें हार्श लैंग्वेज ना हो उसके अंदर, जब तक हम किसी को गधा उल्लू पाजी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक वो प्रचार वो बोल्ड है ही नहीं। Bold means we do not compromise on truth. Bold doesn't mean that we become rude, insulting, impolite, abusive. Especially abhi hai social media ke samay mein to bilkul nahi. And he said that my mission would be a success if even a single person goes back home back to Godhead. Agar ek bhi vyakti bhagwatam chala jayega main maan lunga mera maine itna ye sara jo taam jham jo sara mission ikattha kiya hai this all would be successful. If only one person goes back to Godhead. अब वो देखिए कहीं गए वैसे तो, बट दैट वाज मतलब ये मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को भगवत धाम भेजना कितना ज़्यादा ऊंचा है। इवन यू वुड से इट टू सेंड वन सोल बैक होम बैक टू गॉड इज मोर ग्लोरियस एंड ओपनिंग हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स। अब ये कोई संसार का व्यक्ति को सुन ले होगा यार ये क्या बात है, देखो हस्पताल कोविड 19 है तो अस्पताल तो मैं चाहिए, नो डाउट अस्पताल चाहिए,
और अस्पताल खुलना भी ग्लोरियस है, उनमें इलाज होना ग्लोरियस है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ग्लोरियस है एक सिंगल जीवात्मा को भवबंधन से निकाल करके, जन्म मृत्यु चक्र से निकाल करके भगवान के धाम भेजना, दैट इज़ सो वेरी ग्लोरियस। तो वो ज़्यादा ग्लोरियस है बेसिकली, ही हाईलाइटेड दैट। और साथ ही उन्होंने कहा था कि हम जो प्रीचिंग करते हैं देन वी आर टू टेल स्पेड द स्पेड, यानी कि सच को सच बताना चाहिए, लेकिन भक्तिदान सर ठाकुर वुड ऑलवेज प्रीच अगेंस्ट इन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स में कहाँ कोई गलत है, लेकिन कभी ही वुड नेवर हैव लाइक पर्सनल रिमार्क्स अगेंस्ट समवन, ओ फला फला, अरे वो है क्या, मैं जानता हूँ उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, अरे मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, बंदा पता है वहाँ कलकत्ता में रहता था, अरे वो, इस तरह की भाषा भक्तिदान सर ठाकुर कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। He would always criticize the principles of philosophy, not the person. He was never ever do like that. Lekin, itni straight preaching, straightforward preaching is saath saath, but he would also say that devotees should present themselves very well. Like preaching ke liye, he had allowed even brahmacharis to iron their clothes. Hai mushole kapde nahi pehne jaane ke, phate hue kurte pehne ke chale gaye, bahut bairagi waqt hai. Ya agar phata bhi nahi hua kehte hua koi abhi. दो चार चेपियाँ लगाएंगी, हमारा हाल देखिए आप, बहुत वैराग्य हैं जी। तो इस प्रकार का फालतू वैराग्य जो है उसको बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं करते थे श्री भक्तिदास ठाकुर। सो यू से डिवोटी शुड हैव फर्स्ट क्लास ड्रेस, कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए, सादे कपड़े पहनेंगे, बहुत ताम झाम झिनटेक वाले कपड़े नहीं पहनेंगे उसमें बॉर्डर वॉर्डर ये दिस दैट ना, सिंपल कपड़े, बट दे शुड बी नीट क्लीन नाइसली स्टिच्ड, और अब प्रीचिंग के लिए जा रहे हैं दे शुड बी आयरन एज वेल, और साथ ही डिवोटी शुड हैव हेड शेव्ड। वैसे हालांकि महीने में एक बार हेड शेव करना था कि माँ ओके जो सबके जो मठ में रहने वाले हैं वो सबके सब एक महीने में एक बार हेड शेव करेंगे, पर अगर प्रीचिंग में जाना है इवन एवरी डे यू कैन डू हेड शेव। श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ तक बोला इवन एकादशी पे भी आप हेड शेव कर सकते हो, हेड शेव या शेविंग आप कर रहे हैं बिकॉज आपको प्रीचिंग में जाना है, क्योंकि आपकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी होती है तो हम मजनू जैसे दिखते हैं उसमें, तो शक्ल बेचारी ऐसी उदास है पता नहीं रोया पिट्टा पता कहाँ से आ रहा है, फिर आप बोला जीवन में हम खुशियाँ बांटने आए हैं, तो सर आपकी शक्ल तो देखिए आप, सो दैट फेज इवन ऑन एकादशी शेविंग वॉज अलाउड बाई श्री प्रभुपाद। जैसे गिरिराज महाराज ने शेविंग नहीं की थी, प्रभुपाद ने पूछा आपने शेविंग क्यों नहीं किया आज, एक उन्होंने तो बताया एकादशी है श्री प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद ने कहा यू आर टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ जूहू टेम्पल, आप वो लोगों से मिलना होता है तो इसीलिए आपको एकादशी पर भी शेविंग करना अलाउड है, सो जो प्रीचर्स हैं दे कैन डू शेविंग लाइक दैट। सबने टोल्ड हिम कि ना आप इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी ने बोला है प्रयासश्च, मतलब हमें एक्सेसिव एंडेवर नहीं करना चाहिए, आप तो श्री रूप गोस्वामी का उल्लंघन कर रहे हैं आप। तो फिर श्री भक्तिदास ठाकुर ने कहा कि देखो वो जो प्रयासश्च जो उसमें बताया गया ना, उसमें साथ में हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल एबिलिटी भी देखी जाती है, कोई व्यक्ति जो है थोड़ा काम करके थक जाता है वो उसका उतनी कैपेसिटी है, कुछ लोग होते हैं दे वर्क लाइक अ किंग उसके बाद भी नहीं थकते बिकॉज दे हैव दैट मच कैपेसिटी गिवन बाय कृष्णा। तो प्रयासश्च इज वेरी रिलेटिव, किसी व्यक्ति के लिए इससे ज़्यादा कर पाना प्रयासश्च हो जाएगा, किसी के लिए इतना प्रयास करने के बाद भी ना थकना इट्स नॉट इवन प्रयासश्च। तो जिसको भगवान जितनी एबिलिटी दी है उसको अपनी सारी एबिलिटीज को लगाना चाहिए भगवान की सेवा में, नॉट डेट कि हम इसको भी बिकम वेरी रिक्लूसिव सेक्लूसिव लोनली कि ना, कि जो जिसको भगवान ने दिया है उसको जाना चाहिए, उसको प्रचार करना चाहिए, यू शुड स्पेंड फुल ऑन जो भगवान ने दिया हमें करना चाहिए लाइक दैट, सो दैट इज इट इज़ नॉट प्रयासश्च। साथ ही युक्त वैराग्य के ऊपर ही वुड एम्प्लॉय एवरीथिंग इन युक्त वैराग्य। इनफैक्ट एक बार उन्होंने एक कैमल को देखा और बड़ा हेल्दी कैमल था, तो उन्होंने बोला हाँ परिक्रमा के लिए ना ये कैमल लेना चाहिए, परिक्रमा में ऐसे ऊपर वी कैन हैव फ्यू डिवोटीज और वी कैन हैव सम काइंड ऑफ फूड स्टफ, तो हमें कैमल लेके चलना चाहिए। सो ही एंगेज इवन कैमल इन प्रीचिंग, घोड़े रखे हुए थे, घोड़े थे कि अगर घोड़े पर किसी को कहीं जाना है या घोड़े पर अगर कुछ लादना है तो घोड़े का इस्तेमाल करेंगे, और जो मठ में रहने वाला घोड़ा था वो इतना सुंदर और सुडौल था कि जितने शहर में लोग थे वो ये मानते थे कि ये भाई मालपुआ खिलाते हैं इसको, क्या घोड़ा एकदम उसका एकदम गठीला शरीर था उसका। सो यू वुड एंगेज इवन हॉर्सेस। चलो भक्तिदास ठाकुर वाज द फर्स्ट वन जो कि सूट बूट पहन करके, मतलब सूट बूट मतलब उस से नहीं ऊपर से नीचे गाउन होगा धोती कुर्ता के साथ साथ गाउन, गाउन के ऊपर एक अच्छा सा ओवरकोट और नीचे उनके शूज़ हैं प्रॉपर शूज़ फॉर्मल शूज़, गाड़ी में जाएंगे प्रीचिंग करने के लिए। ये लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था कि एक साधु जो कि सैफ्रॉन में है वो इस तरह से गाड़ी में ट्रैवल करे, कभी नहीं देखा था एक्चुअली। तो इसीलिए ही वुड टॉक अबाउट दैट कि वास्तव में सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना दैट इज रियल वैराग्य, बजाय कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ दें वो वैराग्य नहीं है, ना 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 वो वैराग्य नहीं है।
हर चीज़ जो है भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग. तो दैट इज़ ही वुड एडवोकेट अबाउट युक्त वैराग्य. तो डायोरामस थे, वो भी इन्होंने सेवा में लगाए. इमो डिवोटी से बोला हुआ था, अगर प्रचार के लिए आपको कहीं जाना है आप पैसा खर्च करो, यूज़ मनी फॉर प्रीचिंग, लेकिन जब अपने लिए कहीं जाना है देन गो वॉकिंग, तो पैदल जाओ. ऑफकोर्स अगर आज की सिचुएशन में देखें, अगर मार्केट अगर कोई 5 किलोमीटर बेचारा जाएगा तो बात और है, बट येस, बट जनरली स्पीकिंग वी शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल कि अपने लिए हमें फैसिलिटीज़ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन प्रीचिंग का मौका है देन वी शुड गो फॉर इट, वी शुड गो फॉर इट. उसमें जो है कोई हिचक विचक नहीं कि कोई सोचे कि भैया फिर लोग क्या कहेंगे. जैसे हमारे इस्कॉन साधु से देखें ना, लोग अक्सर बिल्डर हो जाते हैं. हमारे इस्कॉन ड्यूटी में लैपटॉप भी होता है, गेरवा कपड़ा वाला लैपटॉप लेके तड़ लगा उसमें. साधु है यार, तो लैपटॉप एप्पल का है, अरे मैकबुक रखा हुआ है साधु तो, अरे वाह वाह अरे वाह वाह, हाँ उसका एप्पल का आईफोन भी है. तो इसलिए समटाइम्स पीपल गेट बिल्डर्ड, लेकिन एक्चुअली भक्त भी इसको स्वीकार करता है किसके लिए, सेवा के लिए. सेवा के लिए चीज़ों को स्वीकार करना, येट एट द सेम टाइम उसने ये भावना रखा मैं इसमें कुछ मजा कर लूँ, अपना आनंद ले लूँ, भोग लूँ इसको, वो नहीं होना चाहिए. हालांकि ये बहुत मतलब मुश्किल कार्य है. तो युक्त वैराग्य का अभ्यास करने से पहले वैराग्य होना चाहिए, नहीं तो युक्त वैराग्य के नाम पे भोग हो जाते हैं हमसे. राइट, नहीं युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य. हाँ, व्हाट्सएप ऑन व्हाट्सएप आई एम डूइंग प्रीचिंग प्रीचिंग व्हाट्सएप आई एम डूइंग प्रीचिंग, पर व्हाट्सएप पे ज़्यादातर जोक्स ही चल रहे हैं, जोक्स आना जोक्स जाना वीडियो आना वीडियो जाना ज़्यादातर यही चल रहा है. पर आप क्यों करें व्हाट्सएप के साथ, प्रभु जी क्या करें, हम प्रीचिंग के लिए हमें करना चाहिए, हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना चाहिए. तो मिस यूज तो नहीं हो रहा, कभी कभी हो जाता है. सो जब तक वैराग्य नहीं होगा तो फिर युक्त वैराग्य का अप्लाई करने में बहुत मुश्किल आती है. तो इसलिए युक्त वैराग्य, तो दैट मीन्स देयर वाज अ रिस्क, फैसिलिटीज देना या एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट कि डिवोटीज डिटैच रहे, इसमें रिस्क था. लेकिन प्रचार करने के लिए फिर ये रिस्क लेना पड़ा. ऑफकोर्स अब रिस्क लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा कभी प्रॉफिट भी होता है कभी लॉस भी होता. तो उसमें कुछ लॉस भी था, कुछ कमज़ोर भक्त जो थे उसमें देवर इन टू कि भैया बहुत बढ़िया है तो लाइक दैट. पर यस, युक्त वैराग्य इसका पालन करना जरूरी. वुड से दैट वट एवर फैसिलिटी वी हैव वी शुड एंगेज इट इन कृष्णा सर्विस. 1935 में सुंदरानंद प्रभु करके थे, सुंदरानंद विनोदा विद्या विनोद प्रभु, ही फर्स्ट टाइम ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू हैव हरिकथा ऑन रेडियो. Recently, some devotees have told me, Prabhuji, you are the pioneer of preaching through a radio. Radio, nasha. Actually, I am not the pioneer. Pioneer is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, who was doing regular Harikatha even through radio. Un dino ki baat hai ji. Radio, kaun sochega? Radio. But he was doing preaching even through the radio station. Radio stations pe, they were kirtans. Not just kirtan, piano wale kirtan. आज हम कोई अगर देख लेते ना, अगर कोई रॉक शो करवाते हैं, दिस इज सो राजसिक, दिस इज सो राजसिक. श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैड पियानो एट दैट टाइम, पियानो को इस्तेमाल करके, बिकॉज लोगों का टेस्ट अलग तरह से म्यूजिक को लेकर. एक बात, तुम्हारे म्यूजिक के टेस्ट के अंदर हम हरे कृष्ण डाल देंगे. सो रेडियो पे अलग तरह के कीर्तन हुआ करते थे, समटाइम्स लिटिल वेस्टर्न ऑल्सो, यू वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके. He would do that. मतलब प्रीचिंग को लेकर के ही वाज सो ओपन कि ये इनके इन प्रकार हैं, हमें भगवान के का जो संदेश है लोगों तक पहुंचाना चाहिए. ऐसे YouTube है, YouTube पे ना एक्चुअली वीडियोस बनाने में शर्माना नहीं चाहिए कि नहीं 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 हम तो विनम्र भक्त हैं, नहीं हम तो आई एम वेरी हम्बल डिवोटी, वेरी हम्बल डिवोटी, हम तो YouTube पे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाते, हम बहुत विनम्र हैं. ये विनम्रता नहीं है. श्री प्रभुपाद बोला करते थे, विनम्रता का मतलब है बिकमिंग एग्रेसिव फॉर कृष्णा. ये डेफिनेशन है ह्यूमिलिटी की. ह्यूमिलिटी मीन्स बिकमिंग एग्रेसिव फॉर कृष्णा, दैट इज ह्यूमिलिटी. ये एक अलग लेवल है ह्यूमिलिटी का, ये हमने कभी सोचा नहीं होगा. कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं बहुत टैलेंटेड डिवोटीज हैं, वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करते. वो क्यों, उनका जो सो कॉल्ड लीडर है वो कहता है विनम्र बनो, तुम्हें यश प्रसिद्धि की आग लगी हुई है कि तुम्हें यूट्यूब पर वीडियो बनाने. तुम्हें प्रभु जी वो प्रीचिंग, व्हाट प्रीचिंग मैन, यू आर अ नियोफाइट, अ नियोफाइट. एक तख्ती लो उस पे लिखो त्रिनाद विष्णु शिव, गले पे टांगो तुम. पर एक्चुअली जो हमारे अंदर एबिलिटीज भगवान की दी हुई हैं उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में लगाए. अगर इसके अंदर टेक्निकल एबिलिटीज हैं उसको टेक्निकल एबिलिटीज को लगाना चाहिए कृष्ण की सेवा में. किसी बोलने की एबिलिटीज हैं उसको लगाना चाहिए कृष्ण की सेवा में. दैट इज ह्यूमिलिटी, दैट इज ह्यूमिलिटी.
श्री बोला मैं बहुत पतित मैं बहुत गिरा हुआ कहाँ से गिरा, मैं थर्ड फ्लोर से गिरा बहुत गिरा हुआ। दिस इज फेक ह्यूमिलिटी। हमारे अंदर जो कुछ भी है कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और लीडर्स को भी चाहिए, जो भी लीडर्स होते हैं आध्यात्मिक लीडर्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए। कोई भक्त के अंदर कोई टैलेंट है वो कृष्ण ने टैलेंट इसलिए दिया है उसको ताकि वो कृष्ण की सेवा में लगाए। हर वो चीज़ जो भगवान ने हमें दी है उसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ना, वो चीज़ हमें बर्बाद कर देगी। समबडी हैज़ गॉट लॉट ऑफ वेल्थ, उस वेल्थ को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया वो वेल्थ उसको ख़त्म कर देगी। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है अपनी सुंदरता को भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा वो सुंदरता ही उसको नष्ट कर देगी। हर वो चीज़ जो भगवान ने दिया है वो अल्टीमेटली कृष्ण के लिए ही है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एंड दैट इज युक्त वैराग्य एक्चुअली। तो इस प्रकार से वट एवर वॉज देयर ही वुड इवन एंगेज इन कृष्णा सर्विस। देयर वॉज वन जर्मन, एक जर्मन राइटर था, ही वॉज कमिंग टू मीट, ही अरेंज्ड फॉर सिगरेट फॉर हिम, कि उनको सिगरेट पीना पसंद है। सो ही गॉट वन सिगरेट फॉर हिम, कि ना वो आएगा तो उसको सिगरेट चाहिए होगी, सिगरेट ही उसको। तो डिसाइबल्स है गुरुदेव, लेकिन फिर वो सिगरेट भी कहता है वो चिंता मत करो मैं छुड़ा दूंगा उसकी, लेकिन अभी उसको लेकर आओ, उसको सिगरेट दो, बस सिगरेट छुड़ा दूंगा, वो चिंता मत करो आप। इवन फॉर मेकिंग अ टेम्पल, जो मजदूर होते हैं ताकि वो काम करते हैं उनको बीड़ी पीनी होती है, ही अरेंज फॉर देम बीड़ी। बीड़ी पिए बिना वो कहता है हमसे काम नहीं होता, हमारा काम नहीं करता ये, हमको कोई बात नहीं, भगवान का मंदिर बनाना है ना, सेवा होनी है। बीड़ी पी के इतना नुकसान कम होगा, भगवान का मंदिर बना करके लाभ ज़्यादा होगा। और ज़्यादातर जो मजदूर थे, जो मजदूर जो सेवा कर रहे थे, उन सब की बीड़ी छूट गई मंदिर बनाते 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 बनाते। सो ही वुड डू दैट। इनफैक्ट देयर वाज कोई वेस्ट से, जर्मनी से कोई आ रहे थे, जर्मनी से नहीं थे, ही वाज फ्रॉम सम ब्रिटिश एम्पायर से कोई व्यक्ति था, एंड ही वाज गोइंग टू विजिट सर्टन कुछ पोलिटिकल इवेंट के लिए आ रहा था। तो दैट वेज इवन ही अप्रूव दैट ही शुड गिवन मीट। तो उसे उनके डिसाइपल बोला गुरुदेव बट ऑफरिंग अ मीट, कहते हैं वो मीट खा ले एक बार मेरे संपर्क में आ जाए उसका मीट छुड़वा दूंगा मैं। सो दैट मीन्स ही वुड ऑल थिंग्स टू गेट पीपल इन एंड देन प्यूरिफाई देम, गेट पीपल इन एंड देन प्यूरिफाई देम। तो इसके लिए युक्त वैराग्य उन्होंने कई चीज़ें की, मतलब हम वो चीज़ें करने में हिचकिचाएंगे आज, पर भक्तिदास ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने समय में प्रीचिंग में जो किया उन्होंने, सो इनोवेटिव, सो अकोमोडेटिंग एंड वेलकमिंग। सो ये उनका सवाल, सो दैट इज प्रीचिंग में ही डिड एग्जेम्प्लरी एक्चुअली। एक व्यक्ति था, ही केम टू हिम, उन्होंने कहा कि ना अब पता है मैंने एक बार कृष्ण को देखा, मैंने कृष्ण को देखा। कहते फिर उसके बाद क्या हुआ, कहते उसके बाद फिर मैंने अपने पैसे को देखा, मैंने कहा अरे इनकी कृपा से तो ये मिला है, तो वो कृष्ण के दर्शन हो गए। तुम तो उन्होंने बोला यानी तुमने कृष्ण को भी देखा और साथ में माया को भी देखा, तुमने माया और कृष्ण दोनों को साथ में देखा और तुमने उसमें से माया को चुन लिया, इसका मतलब तुमने कृष्ण को नहीं देखा, तुमने भूत को देखा। तुम किसी भूत को देखा है तुमको लगा वो कृष्ण है, पर असल में तुमने कृष्ण को नहीं देखा। कृष्ण को देखने के बाद माया के प्रति आकर्षण रह ही नहीं जाता, स्लाइटेस्ट अट्रैक्शन ही रहता तुम्हारे अंदर, तुमने देख भी लिया और माया को चुन भी लिया। कृष्ण के दर्शन के बाद माया के दर्शन होते ही नहीं है, और उसके बाद माया की कोई मतलब दर्शन करने की इच्छा भी नहीं होती, तो तुमने दर्शन भी कर ली, दैट मीन्स तुमने कृष्ण के दर्शन नहीं किए। कृष्ण के दर्शन इतने महान हैं, क्यों, क्योंकि वास्तव में कृष्ण की ना दासी है माया, और दासी कभी भी मालिक के आमने सामने नहीं आती, वो दूर दूर रहती है। ऐसी वैसे माया का स्थान जो है कृष्ण के पीछे है, शरण के मारे आगे नहीं आती कृष्ण के आगे। एक तो उसकी पोटेंसी बहुत कम है कृष्ण के आगे, उसको पता है, और उसको पता है जो मैं कार्य करती हूँ बड़ा शर्मनाक कार्य है, जीवात्माओं को दूर लेके जाना, उनको भ्रमित करना, कन्फ्यूज करना, उनकी परीक्षा लेना, तो शी फील्स गिल्टी कि मेरे को क्या मतलब सेवा है, उस वजह से शर्मा में आगे नहीं आती वो। सो दैट फेज अगर कोई कृष्ण को देख रहा साथ में माया को देख रहा है, यानी कि उसने कृष्ण को देखा नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं हमें कृष्ण जी के दर्शन हुए, हम लोग जा रहे थे, हमको पेड़ के पीछे नजर आए वो, ऐसे झांके होंगे देखा, ऐसे किया। अच्छा तुमने क्या किया उसका, कहते कृष्ण हमने प्याज लहसुन खाया उसका जिंदगी मार के। सो ये देखे हुए, ये ऐसे एक जमींदार भी आया था उनके पास, जमींदार ने बोला कि ना ऐसे बोलता है फुसफुसा के बोलता है, सो महाराज जी क्या आपने भगवान को देखा है क्या। भक्त साहब ने कहा मैंने देखा ही नहीं देखा, इससे तुम्हारी लाइफ में फ़र्क क्या पड़ेगा। कहते वो छोड़िए नहीं बताइए आपने देखा कि नहीं देखा। उन्होंने कहा लेकिन तुमको उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, मालूम मैं कह भी दूँ मैंने देखा है या नहीं देखा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम ये जानना चाहते हो वो तरीका जिससे कि भगवान को देखा जा सके,
तो वो मैं तुमको बता दूंगा, 100% तुम भगवान को देख पाओगे। क्या तुम उसमें रुचि रखते हो क्या? तो ना वो व्यक्ति घबरा गया, एंड देन ही वाज लिटिल नहीं है तो डांट पड़ रही है। एंड देन भक्तिदान सर ठाकुर ने कहा, मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट दैट वी सी कृष्णा, मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज दैट कृष्णा सीज अस। कृष्ण की दृष्टि हम पे पड़ जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय किसी कि मैं कृष्ण को देख लूँ। हाँ कृष्ण कैसे दिखते हैं, हाँ उनकी बांसुरी कितनी लंबी है, बांस की है, स्टील की है, किसकी है, कितने छेद हैं उसके अंदर, वो ठीक से बजा पा रहे हैं नहीं बजा पा रहे हैं, उनको ट्यूशन दूँ ना दूँ। तो कृष्ण को देखना ज़रूरी नहीं है, कृष्ण हमको देख लें ये ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू वुड से डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा बट ट्राई टू सर्व हिम इन सच अ नाइस वे दैट ही कम्स टू सी यू। ये ज़रूरी है वास्तव में। तो इसलिए भगवान की दृष्टि हम पे पड़ जाए। लाइक वाज वन डिवोटी, ही वाज ब्लाइंड, ही केम टू द टेम्पल। अरे भाई पुजारी ने कहा तू क्यों आ गया मंदिर, तू क्यों आ गया, तू तो अंधा है, तू क्या देखेगा भगवान को। कह लेकिन प्रभु तो मुझे देख लेंगे, मैं यही चाहिए, मैं तो नहीं देख पाऊंगा लेकिन प्रभु मुझे देख लेंगे, बस मैं तर जाऊंगा। सो मोर इम्पॉर्टेंट दैट इज दैट कृष्णा सीज अस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। अफकोर्स हम मंदिर में जाएँ तो हमें दर्शन करने चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए। आई सीन समटाइम्स पीपल हैव आईज क्लोज्ड, ऑल्टर के सामने खड़े हैं, प्रभु सामने तुम्हारी अंधकार में कौन तुम्हें स्पेशल दर्शन होने वाले हैं, ऑल्टर के सामने खड़े हो गए, संसार दावा नल लीड लोका हरे कृष्णा कहते प्रभु तेरे सामने खड़े हैं, तेरे को आंख बंद कर दिख रहे हैं भगवान सामने खड़े हैं विग्रह रूप में। सो दैट इज जब ऑल्टर के सामने हो आंखें बंद करके नहीं कीर्तन करना होता, पर लोगों को आदत पड़ी होती है तो आंख बंद कर लेते हैं, प्रभु तेरे सामने हो तू ना आंखें बंद कर ली, वाह जी वाह। सी वुड सी लाइक दैट। इनफैक्ट कुछ डिवोटी से देखो काम गायत्री, काम गायत्री होते काम गायत्री डिसाइड करते हुए वी कैन शावर फ्लावर ऑन कृष्णा, कृष्णा डीटीज। तो एक भक्त जो है बड़ा चौड़ा हो गया, अरे मैं भी कृष्ण पर फूल फेंकूंगा, अरे मेरे को काम गायत्री मिल गई, अरे मैं भी कृष्ण पर फूल फेंकूंगा। भक्ति सामारा ना कमरे के इस तरह थे तो उन्होंने ये सुना कि बहुत वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया, वो बहुत ज़्यादा घमंड में आ गया। वो भक्ति सामारा ने कहा देखो कितना आगे निकल गया ना, मैं मेरे में आज तक ये योग्यता नहीं आ पाई कि मैं कृष्ण पर फूल अर्पित कर सकूँ उनको ऐसे, लेकिन ये इसको आज कल काम गायत्री मिली है, इतना आगे बढ़ गया ये कि कृष्ण में फूल फेंके गए। इसको समझाओ, कई जन्म लग जाते हैं, कई मैंने कई जन्मों से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को तो आज तक ये योग्यता नहीं मिली कि मैं कृष्ण में फूल फेंक सकूँ, ये कृष्ण फूल फेंक लेगा, ये इतना योग्य हो गया ये। तो उसे जाकर बताया गया, भक्त जमाना ने बताया कि उनमें योग्यता आनी, इतने बड़ी योग्यता आ गई है, इमीडिएटली हुआ सेटल लाइक दैट। तो इस तरह जितने भी ये हुआ करते हैं ना ये सो कॉल्ड डिवोशनल इमोशंस, इनको स्नप कर दिया करते हैं इमीडिएटली कट डाउन, दैट वाज हिम एक्चुअली। एक प्रोफेसर आया उनके पास तो मेरे को बता रहे थे हम आपके पिताजी को जानते थे आप, भक्तिनो ठाकुर थी ना, मैं देखा उनको, मैं मिला उनसे, मिला मैं उनके पास जा करके गीता के श्लोक सुनाया करता था उनको, वो ऐसे सारे लाते रहते थे, मैं एक एक श्लोक एक श्लोक और गा गा के सुनाया करता था, ये श्लोक मैं देखा, मैंने उनके बच्चों को भी देखा है अच्छे पिता थे वो, वॉज अ गुड फादर, बहुत उनको देखा है मैंने। मकसद मारने का तूने कुछ नहीं देखा, तुमने श्री भक्ति ठाकुर को भी कभी नहीं देखा ना तुमने कभी उनके बच्चों को देखा, कहते नहीं मैं देखा है मैंने, बक्सा मारने का कभी नहीं देखा। साधु को देखना मतलब साधु से सुनना, तो तू सुना क्या रहा है, मैं तुम्हें गीता श्लोक सुनाता हूँ। तो जो साधु आगे ज़्यादा चपड़ चपड़ कर रहे होते हैं ना, असल में दे वेरी इमेच्योर। आई रिमेंबर देयर वाज वन पर्सन, ही ब्रॉट वन लेडी कि उनको मतलब शी वो आवेशित है, मतलब किसी सिद्ध महात्मा जी से आवेशित है, तो मिलने के लिए आई थी भक्ति आश्रम वैश्रम महाराज जी से मिलने के लिए आई थी, एंड शी केप्ट ऑन स्पीकिंग, और महाराज मुस्कुराते हैं, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ हाँ। और उस भक्त को लग रहा था कि ना ये बहुत कोई मतलब इसमें जो घुसा हुआ है माता जी के अंदर कोई बहुत विशेष भक्त है। मैं कहा माता बताऊँ अगर वैसे तो जो घुसा हुआ है मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन वो सिद्ध भक्त तो नहीं है, क्योंकि साधु के आगे आ करके बोलना कम होता है सुनना ज़्यादा होता है। जो श्री भक्तिनाथ ठाकुर के आगे बैठ करके उनसे सुन नहीं रहा, उनको श्लोक श्लोक सुना जा रहा है, इसका मतलब तूने उनके दर्शन कभी नहीं किए। साधु के दर्शन करना मतलब साधु से सुनना, वैष्णव के दर्शन करना मतलब वैष्णव से सुनना चाहिए एक्चुअली। तो और आपने बोला कि ना आपने उनके बच्चों को देखा, आपने उनके बच्चों को भी नहीं देखा, ही वॉज नॉट अ मॉर्टल बींग, कि कोई व्यक्ति थे उनके बच्चे हुए, नहीं वो सिद्ध पुरुष थे, भगवान के धाम से आए थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर।
कमल मंजरी या राधा कृष्ण की लीलाओं में वो थे। आपको पता, आपने नहीं देखा श्री भक्तिनाथ ठाकुर को? नहीं, मैं देखा, मैं सालों साल देखा। मैं, आपने सालों साल नहीं देख पाए, आप सालों साल नहीं देख पाए, आप नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि आपने उनको अलाउ नहीं किया कि वो आपको देख लें। हमारा कल्याण कब होता है? जब भगवान के शुद्ध भक्त हमको देख लें, इसमें हमारा कल्याण है एक्चुअली। तो हमने साधु को देखा, साधु देखने की चीज़ थोड़ी होती है। साधु कैसे होते हैं? आप बेचारे सीधे साधे होते हैं, दुबले सिकड़े होते हैं, वही सेम कपड़ा रोज़ पहनते हैं। ऐसा हो कि कभी ग्रीन पहने, कभी पिंक पहने, कभी ब्लू पहने, कभी कभी मजेंटा पहने, कभी इलेक्ट्रिक कलर पहने कुछ। तो नजर, हाँ आज मैंने साधु देखा। साधु साधु तो सुनने की चीज़ है भाई, उसे सुनना चाहिए वास्तव में। सो दैट मीन्स टू सी द साधु, दैट मीन्स टू हियर फ्रॉम द साधु, दैट्स इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। एक बार शास्त्री जी थे, वो आए हुए थे, वहाँ पर प्रोग्राम था, और मालपुए जो थे बड़े टेस्टी बनते थे मंदिर में। कहते मालपुआ मालपुआ, और मालपुआ लेकर तो भक्त साहब महाराज ने कहा, तुम मालपुआ खा रहे हो या मालपुआ तुम्हें खा रहा है? किसको किसे खाना चाहिए? तुम्हें मालपुए को खाना चाहिए या मालपुए को तुम्हें खाना चाहिए? और वो समझा नहीं इस बात को कि ना ऐसा क्या मतलब है कि मालपुआ मुझे खाए या मैं मालपुए खाऊं। तो भक्त साहब महाराज ने एक्सप्लेन किया, दिस इज कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद जो है वास्तव में स्वयं कृष्ण का ही रूप है। वी शुड बी इंजॉयड बाई कृष्णा, नॉट दैट वी इंजॉय कृष्णा। तो हमारी आपको भाव ये होना चाहिए दैट यू शुड बी इंजॉयड बाई द मालपुआ, दैट यू इंस्टेड ऑफ यू आर इंजॉइंग मालपुआ, बिकॉज कृष्ण प्रसाद। तो प्रसाद और भक्ति सांस को जब प्रसाद लिया करते थे, ही वुड डू आचमन, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, तीन बार परिक्रमा करके फिर बैठते थे। हमने ऐसा किया कभी? हम तो सीधे बैठ जाते, पर हमारी परिक्रमा करा होता प्रसाद। एक दो आए प्रभु बाल्टी लेके आओ जना। ये प्रसाद हमारी परिक्रमा कर रहा है, बट एक्चुअली भक्ति सांस ठाकुर वुड डू आचमन एंड देन डू परिक्रमा ऑफ प्रसादम। और वो प्रसाद लेके अगर आता था कि आपके लिए वृंदावन से प्रसाद लेकर के आए, ही वुड डू सर्कमवैबुलेशन ऑफ दैट प्रसादम, पे दंडवत प्रसाद, प्रणाम टू द प्रसाद, और फिर प्रसाद लिया करते थे। इस तरह से प्रसाद को ऑनर किया करते थे वो। सो दैट वेज ही हैड दिस एटीट्यूड दैट वी शुड ऑनर एंड रेवर प्रसाद। ऐसा अगर वो रसगुल्ला भी खा रहा था, दैट यू वुड से द रसगुल्ला शुड इंजॉय यू बिकॉज दैट्स कृष्ण प्रसाद, नॉट दैट यू एंजॉय रसगुल्ला। सो दैट वेज ही वॉज वेरी पक्का दैट वी शुड ऑनर कृष्ण प्रसाद। ऐसा अक्सर जैसे डिसाइपल्स में रहता है ना, अरे महाप्रसाद आएगा, गुरुदेव का महाप्रसाद, अरे जी महाप्रसाद आएगा, बस गुरुदेव आप जल्दी से खा लो, फिर हमारी बारी है, फिर थाली पे हम टूट पड़ेंगे। तो एक समय भक्ति साहब महाराज ने ना पूरी प्लेट प्रसाद पा ली, और जो ड्रमस्टिक होती है वो चूज करके कहते ये दे दो डिसाइपल्स को। तो जहाँ जो हाथ मल रहे थे कि भैया अरे बहुत कुछ आने वाला है, पनीर होगा उसमें, उसमें तो सब्जियाँ होंगी, उसमें तो ये होंगे चटनियाँ होंगी, आई के ड्रमस्टिक चूसी हुई आई। कहते महाप्रसाद भेजा है गुरुदेव ने, क्यों ये महाप्रसाद नहीं है? तो उसमें वस्तु को देखने लगे, वस्तु के पीछे जो कृपा है, आइडिया करना चाहिए मुझे, ये लेकर के किसी मटकी में डाल देना चाहिए कि भैया मटकी से जो निकलेगा महाप्रसाद ही निकलेगा भैया, तो गुरुदेव का चूसा हुआ वो ड्रमस्टिक्स हैं वो। तो सो ही ऑलवेज वॉन्टेड डिवोटीज टू हैव वेरी रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्ण प्रसाद, प्रसाद के प्रति बड़ा सम्मान की भावना होनी चाहिए। और अबाउट मंडेन मोरालिटी, वुड से एक बार एक भक्त था, वो माया ये परिक्रमा के लिए आया हुआ था, मायापुर परिक्रमा के लिए आया हुआ था। तो उसने कहा गुरुदेव मेरे को ना जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, कुछ समय और रुक जाओ ना यहाँ पर, कुछ समय और रुक जाओ यहाँ पर। मैंने कहा क्या करूँ, मुझको ना ऑफिस जाना है, तो ऑफिस से ना छुट्टी मेरे को इतने दिन की मिली थी। तो कहता अरे ऑफिस से बता दो कि ना आपका पेट खराब हो गया, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, इसलिए कुछ दिन आप नहीं आ पाओगे, इस तरह से आप जो है कंप्लीट कर लो यहाँ पर, इसको पूरा कर लो। तो व्यक्ति ने बोला लेकिन आप तो भगवान के भक्त हैं, आप उसको शिक्षा दे रहे, क्या झूठ बोलो? तो भक्त साहब महाराज उसको मुस्कुरा दिए और आगे चले गए। तो उनका शिष्य भी था वहीं पे था, तो शिष्य ने कहा इसको ना मेरे को बताना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति घर पे गया श्री वो शिष्य, उन्होंने कहा अगर कोई अगर आपके घर में लूटने लाटने के लिए आया, सामान वगैरह आया, और आपकी पत्नी ने बहुत गहने वहने पहने हुए हैं, और अपनी और की वाइफ कहीं जाकर छुप गई है, और डकैत आपसे पूछे आप पता है आपकी पत्नी, तो सच बोलोगे या झूठ बोलोगे? कहता झूठ बोलूँगा। कहता क्यों? कहता क्योंकि मेरी जो वाइफ है उसकी जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा इस तरह से गुरुदेव ने जो कहा कि तुम झूठ बोलो ताकि तुम परिक्रमा में रह करके भगवान के बारे में सुनोगे, भगवान के बारे में सुनना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि सच का पालन करते हैं हम।
भाड़ में गया ऐसा सच जो कि हरिकथा से दूर लेके जाए, ऐसा झूठ को धन्यवाद है जो कि हमें हरिकथा के पास लेके जाए। तो जो मंडेन मोरालिटी है ना, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे इंसान बनो, किसी का बुरा मत करो, ये जो मंडेन मोरालिटी है यू कम्प्लीटली स्मैश इट, कम्प्लीटली स्मैश इट। हम मोरालिटी फॉलो करते हैं जो हरिकथा के लिए फेवरेबल है, लाइक दैट। जैसे कोई भक्त ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से कि ना हम भगवान की सेवा के लिए ना कभी गार्डन में जाते हैं और ना फूल चुरा करके आते हैं, तो क्या ये सही है? मैंने बोला देखो भगवान की सेवा में सब सही है, लेकिन आप बस पकड़े मत जाना। सो दैट वेज दिस इज ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, ये ऊंची मोरालिटी है, राइट। अब इसको समझने के लिए क्या है, ज़्यादा बुद्धि चाहिए होती है, जो कि नैतिकता में लोग फंसे होते हैं वो नहीं समझ पाते। इस बात को समझाने के लिए बताया हुआ है भक्त दास रघु ने ही उपाख्यान उपदेश, ये आई थिंक फर्स्ट स्टोरी आती है जो ऑन ज्योमेट्री, लेट देयर बी अ ट्राइंगल ए बी सी। एक वीडियो थी उसके, उसका उसका बच्चा था और उसको मैथमेटिक्स पढ़ानी नहीं आती, तो उसने एक ट्यूटर रखा, तो ट्यूटर ने जो है वो पढ़ा रहा था ज्योमेट्री पढ़ा रहा था कि देखो ये है ट्राइंगल, लेट देयर बी अ ट्राइंगल ए बी सी। तो वो जो विधवा थी ना कहते हैं ए बी सी तो बचपन में पढ़ चुका है, ये क्या पढ़ा रहे हैं ये, कहते देखिए ट्यूटर साहब आप जाइए आपको पढ़ाना नहीं आ रहा, कहते नहीं पढ़ा तो रहा हूँ, कहते नहीं जी ए बी सी पढ़ चुका है, कहते लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ, बस आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते आप, मैं बहुत समझदार हूँ। अब लेट देयर बी अ ट्राइंगल ए बी सी इज अ हायर एप्लीकेशन ऑफ ए बी सी, उस तरह से मोरालिटी की भी एक हायर एप्लीकेशन होती है, वे वेर वी अप्लाई मोरालिटी इन सर्विस ऑफ कृष्णा, ये हायर इंटेलिजेंस है। पर जिनके पास कम होती है वो दे आर लाइक दिस विडो, कहते हैं ये देखिए कि क्या बात बोल रहे हैं, झूठ बोल सकते हैं भगवान की सेवा में, नहीं देखिए ये मेरा पेंटियम वन प्रोसेसर ये बात नहीं रजिस्टर कर पा रहा है, मेरा प्रोसेसर हैंग हो गया है, टू बी हैंग टिल डेथ। सो ऐसे लोग फिर मोरालिटी में फंसे रहते हैं, नीति एटिकेट्स संसारिक जो मैनरिज्म उसे फंसे रह जाते हैं। सो डिवोटी इज ए ट्रांसेंडेंट, ऐसे वो ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। वन देयर वाज वन मैथमेटिशियन प्रोफेसर, मैथमेटिशियन था वो, मैथमेटिक्स प्रोफेसर था, उसने कहा देखिए आप मोरालिटी की बात करते हैं, आप ही कृष्ण ने तो कि तो रास लीला उन्होंने खूब किया, उनकी तो खूब सारी लड़कियों के साथ उनका संबंध था, फिर गोपियों के साथ, तो ऐसे तो इस संसार में तो भी लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, उन्होंने भी प्यार कर लिया, आप बता रहे ये संसार के लैला मजनू रोमियो जूलियट ये तो सारे अनैतिक हैं, राधा कृष्ण का जो है वो नैतिक है, ऐसे 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 कैसे जी। तो इसने भक्तिदास रघु ने कहा कि देखो होता क्या है, ये स्पिरिचुअल रॉयल में ऐसा पॉसिबल होता है, बिकॉज कृष्णा शक्ति दया शक्तिमान, कृष्णा शक्तिमान जो बाकी गोपियाँ हैं वो उनकी वास्तव में उन्हीं की ही उन्हीं का विस्तार है, उन्हीं की शक्ति का विस्तार है, तो इसीलिए ये ट्रांसेंडेंटल ये एक्सचेंजेस हैं, दे आर सुप्रामंडेन, दे आर सुप्रामंडेन। सम ऑफ द टर्म्स विच आर कॉइंड बाय भक्तिदास रघु दे वर वेरी अमेजिंग, लाइक सुप्रामंडेन, जो संसारिकता है उसके परे, परे नहीं बल्कि ऊपर, उसको बोलेंगे सुप्रामंडेन। लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रांसकॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, बुद्धि की शक्ति, लेकिन ये बुद्धि की शक्ति के परे है जो चीज़ वो दिव्य है, तो उसको बोलेंगे वुड से ट्रांसकॉग्निटिव। सो दीज आर सम ब्यूटीफुल टर्म्स टू मेक अस अंडरस्टैंड कि ये जो है ये दिव्य है। अब क्योंकि मैथमेटिक्स प्रोफेसर है तो उसको मैथमेटिक्स से एग्जाम्पल समझाया भक्तिदास रघु ने, कहते हैं ज्योमेट्री में क्या होता है, देर इज राइट एंगल, देर इज ऑप्टिव एंगल एंड एक्यूट एंगल, राइट। एक्यूट एंगल क्या होता है, दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज ऑप्टिव एंगल, बट दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल में ना कोई स्ट्रेन नहीं होता बिकॉज इज राइट एंगल, ऑप्टिव एंगल में स्ट्रेन होता है, एक्यूट एंगल में भी स्ट्रेन है, राइट। तो एक्यूट एंगल क्या है, संसारिक भौतिकवाद, रोमियो जूलियट लैला मजनू दिस दैट, ये संसारिक प्रेम जो है दे आर एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल लीड्स टू एक्यूट पेन इन देयर लविंग अफेयर्स, ठीक है। जो ऑप्टिव्स एंगल है ये बहुत वैरागी लोग कहते हैं बस ये संसार छोड़ दो, सब माया है, सब माया है, सब माया है भैया, सब माया है, कहते हैं अच्छा तू, कहते हैं भाई माया हूँ, सब माया है। ये है वैरागी, वो वैरागी लोग जो कि भगवान की सेवा से ही वैरागी ले लेते हैं, राइट। तो ये ऑप्टिव्स, उसमें भी स्ट्रेन है, उसमें भी स्ट्रेन है, बट कृष्णाज ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी इज राइट एंगल 90 डिग्री, इसमें कोई स्ट्रेन नहीं होता। ऑप्टिव्स एंगल सीक्स टू बिकम this and acute angle also seeks to become this so that it becomes very stable। mathematician ko mathematics ka example dekar ke samjhaya ki kis tarah se krishna ka jo gopiyon se kya sambandh hai, ha wo vastav mein gopijan navallabha kalaha prerika, ye unhi ki kalaye hain jinko bhagwan prerit karte hain leelaon ke liye,
like as in mentioned in Gopal Tapani Upanishad chapter 1 verse number 8. So we say, so Krishna's morality is transcendental morality, and that's the ideal. Baki sare angles mein there is strain. All loving affairs they are having strain, but right angle is there is no strain, because this is transcendental. So tabo mathematics professor samay, right angle, this is right example, no, right angle, like that. Or unki appearance thi, that was, he would always sit straight. Bhaktisiddhanta Thakur kabhi aise nahi baithte the, kabhi aise nahi baithe wo. Yeah, fir aise kaun baitha Bhaktisiddhanta Thakur? Na sir, na. Bhaktisiddhanta Thakur would always sit straight, aise nahi ki aise, but sit straight. Like here we can see the posture. Yes, can we have this photo? This is such a beautiful photograph. Dekho. अच्छा कैमरे भी आएगी इधर, सो दैट जो यूट्यूब पे देखने वाले वो भी देख पाएंगे कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर यूज टू सिट लाइक दिस. ये देखिए, दिस इज ब्यूटिफुल श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर, यू वुड सिट स्ट्रेट लाइक दैट. और अर्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठा करते थे. कल से इसको हम रखा करेंगे हमारी वीडियो में. यस, ऑलराइट. सो यू वुड सिट स्ट्रेट. कपड़े जो थे वो पहना करते सिंपल कपड़े, अनस्टिच्ड कपड़े वो पहना करते थे, लाइक दैट. एंड ही वुड अप्लाई तिलक विदाउट मिरर. और हमेशा तिलक सीधा ही लगता था. हम वो तिलक लगाने जरूर पड़ते हैं शीशे में सीधा हो जाए. ही वुड नेवर यूज मिरर, सीधा तिलक ऑलवेज लाइक दैट. और उनके पास एक रिस्ट वॉच भी थी, विच वॉज वेरी अनकॉमन फॉर साधु. साधु हैविंग अ वॉच, रिस्ट वॉच, सिंपल वॉच, जैसे ऐसी एनालॉग वॉच है, ऐसी वॉच. ही वुड हैव अ वॉच लाइक दैट. उनके वुडन सैंडल्स है, ही वुड ऑलवेज वियर वुडन सैंडल्स. एंड ही हैड टॉल स्टेचर, 6 feet हाइट थी श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर की, हैड 6 feet हाइट. और कपड़े वही पहनते थे जो कि डिवोटीज गिफ्ट करते थे उनको, वही पहना करते थे. और उनकी स्किन इट वॉज वेरी सॉफ्ट. मतलब डिसाइपल्स बोलते हैं कि अगर कभी किसी ने अगर उनके हाथ लगा दिया ना अगर उनकी स्किन पे, तो जहाँ हाथ लगता वो जगह रेड हो जाती थी ऐसा. तो इन ए वेरी वेरी सॉफ्ट स्किन. और पाँव जो थे उनके इतने कोमल थे एज ए बटर, सच सॉफ्ट फीट ही हैड. एंड ही वुड ऑलवेज यूज राउंड ग्लासेस, राउंड ग्लासेस थे. लेटर ऑन यू हैड बाईफोकल, यानी कि पास का भी और दूर का भी, बट ही हैड ऑलवेज राउंड ग्लासेस. और ओवरऑल जो स्ट्रेचर था ही वॉज वेरी ग्रेव, हमेशा बहुत गंभीर रहते थे. और ऑफकोर्स लेटर ऑन ही हैड अ स्टिक एज वेल टू कैरी विद हिमसेल्फ ऐसा. एंड देन या एंड वेरी ब्राइट, वेरी नाइस तुलसी बूट्स और एंड वेरी थिक ब्राह्मण थ्रेड जो उनके कंधे में रहा करता था. अक्सर उसको गले में लपेटा करते थे, वो गले में लपेट के. तो होता क्या, अगर गले में लपेटो नहीं तो गिरता रहता है ब्राह्मण थ्रेड, जो जिन्हें होता है ना गिरता रहता है. तो गले में लपेटा फिर वो गिरता नहीं. एंड दैट्स व्हाई डिवोटीज सीक टू हैव लिटिल लॉन्गर थ्रेड, ताकि गले में लपेट भी जाए तो फिर वो दिक्कत नहीं देता. दैट वो मैंने गले में लपेट करके रखा करते थे. सो दिस वॉज हिज फिजिकल अपीयरेंस. और सुबह 2 बजे उठ जाया करते थे. हमारे बस लोग कितना, या हमारे बस लोग उठ जाते हैं उनकी तरह एक्चुअली. या सो 2 o'clock ही वुड गेट अप एंड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र. 4:30 बजे मंगल आरती के लिए आएंगे. एक्चुअली मैं आई वॉज स्टन टू सी कि ना श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंदर जो स्केड्यूल दिया है ना, दिस वॉज सेम गिवन बाय श्री भक्तिदास ठाकुर. गुरु अष्टम गाया जाता था 4:30 बजे, संसार दावा नरेट जैसे हम लोग हमारे यहाँ होता है सेम चला करता था. उसका 7:30 बजे दर्शन खुलेंगे और गुरु पूजा होगी और शाम को गौर आरती होगी. दोपहर में जो हम लोग आते हैं यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, सेम चला करता था एक्चुअली. और जो भक्त मंगल आरती के लिए नहीं उठते थे, जहाँ 4:30 बजे तक वो नहीं नहाए, तो उनको भी मंदिर में बुला करके जो पीछे जो खंबे थे उनको खंबे ऐसे अम्ब्रेस करने पड़ते थे. तो ये पता रहता था ये कौन है जो खंभों को गले पकड़े हुए हैं, कहते हैं ये वो हैं जो सुबह नहीं उठे. और 4 बजे खुद उठ करके ही वुड रिंग द बेल टू वेक अप द डिवोटीज. समटाइम्स उनके डिसाइबल भी करते थे ऐसा, और कभी कभी वो खुद जा करके उठाया करते थे डिवोटीज को. जैसे हमारे गोपी भाव प्रभु हैं, वो जाकर भक्तों को उठाते हैं. सो ही इज़ इन लाइन विद श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर. सो ही मेक डिवोटीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. और उसके बाद मंगल आरती बाद एवरीवन वुड चैंट जपा लाइक दैट. उस समय फिर वो भी जपा क्या करते थे. एंड ही वुड चैंट राउंड इन 3.5-4 hours चैंट 64 rounds. इसके अलावा वो शाम को वॉक के लिए भी जाया करते थे, 4 बजे स्नान करने के लिए भी जाएंगे. सो इस तरह से उनका रहा करता था. एंड ही वुड मीट द डिवोटीज एज वेल, गेस्ट एज वेल.
तो 9 बजे के बाद वो मिला करते थे कैसे, रात के 9 बजे के बाद 11 बजे सोया करते थे, अगेन 2 बजे उठ जाया करते थे, 3 आवर्स ऑफ स्लीप, दैट्स इट। और अगर कोई ब्रह्मचारी मोटा हो रहा होता था, ही वुड आस्क हिम, यू फास्ट टिल आई टेल यू टू ब्रेक द फास्ट। ऐसे नहीं एक दिन या दो दिन, कहते नहीं जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक तुम्हें फास्ट करना है। तो ब्रह्मचारी जो अगर गुप्पा हो रहा है, थोड़ा पेट वेट उसका निकल रहा है, ये सही नहीं है। ब्रह्मचारी दुबला पतला ही अच्छा लगता है, गृहस्थ थोड़े हेल्दी होते हैं तो वो चलते हैं, देखो हमारे खाते पीते वक्त भी हैं, और ब्रह्मचारी जो है दुबले पतले रहे, दैट्स गुड। अब वो इनके समी हैज़ हार्मोनल इम्बैलेंस, बात और है, बट अदरवाइज ब्रह्मचारी अगर मोटा दिख रहा है, आया दुबला पतला था लेकिन मालपुए खा खा वो खुद मालपुआ हो गया, सो यू शुड फास्ट, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट, लाइक दैट। और उस वक्त अगर कोई भी अगर ब्रह्मचारी भक्त है, अगर वो कहीं ना कहीं इंद्र दत्त की वगैरह जा रहा है, सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी उसके साथ ही भक्त की, उसको बताना महाप्रभु भक्तगणे वैराग्य प्रधान, महाप्रभु भक्तों में वैराग्य प्रधान होता है भाई, जहाँ देखी प्रीत है गौर भगवान। और ये वैराग्य देख करके गौरांग महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर कभी किसी को देख लिया, जैसे देवस वन डिसाइपल था, वो चोरी छुपी जाया करता था बीड़ी पीने के लिए, तो उसके पीछे एक भक्त लगी क्या था, मैं तो सुनाता रहूँगा इसको श्लोक, उसकी बीड़ी छुड़ा दी बोल बोल कर उसे, महाप्रभु भक्तगणे वैराग्य प्रधान, जहाँ जहाँ देखी प्रीत है गौर भगवान, उसको उसकी बीड़ी छुड़ा दे, कहते हैं हाँ भाई वैराग्य प्रधान, छोड़ दी बीड़ी हमने। सो दैट वॉज एट दैट आवर, हर रोज आधे घंटे से एक घंटा कम से कम बाहर भिक्षा मांगना कंपलसरी था। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद, हरी कथा सुनने के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट एवरी वन हैज टू गो फॉर भिक्षा, मंदिर चलेगा तो भिक्षा से, और कम से कम आधा एक घंटा जो है भिक्षा मांगने मांगे, उसके बाद दोपहर में आप आओ भिक्षा मांग कर, देन यू कम बैक। और जहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे वहाँ पर हरी कथा करनी ही है, वहाँ पर हरी नाम करना ही है। अगर कुछ कोई ना दे तो बोलते कोई बात नहीं, वो देख तो लेंगे तुमको, एक तिलक लगा हुआ भक्त दिख गया उनको, उसने उनको बोल दिया हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी बोल दिया, सुकृति मिल गई उसको। तो इसीलिए जाना चाहिए भिक्षा के लिए, वह जाना चाहिए, जो ब्रह्मचारी है वो वास्तव में भिक्षुक होता है, उसको जाना चाहिए भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए। सो वुड एनकरेज हिज ब्रह्मचारी डिवोटीज टू गो एंड डू प्रीचिंग इन दिस वे। और साथ ही जब भी भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे, नेवर अलोन, ऑलवेज इन टू उसमें जाएंगे भिक्षा मांगने के लिए, पर दोपहर के समय सब वापस आएंगे, दे वुड हैव देयर प्रसाद एंड ऑल दैट एंड देन गो फॉर प्रीचिंग प्रोग्राम्स एज वेल समटाइम्स, ऐसा क्या करते थे वो। तो ये करना जरूरी था, भिक्षा मांगना सबके लिए जरूरी था, ब्रह्मचारी के लिए जरूरी है। और भिक्षा इसलिए मंगाते थे, होता गया था इससे भक्त सक्रिय रहा करते थे, अदरवाइज दे बिकम टू रिलैक्स्ड, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, यू वुड ऑलवेज कीप द टेम्पल अंडर डेट, उधारी पे जी रहे हैं जी, ये वेंडर मांग रखा था पैसा दे दो भैया, अरे पैसा दे दो पैसा दे दो, जैसे हमारे रोनी सुना वो है ना, उनके पास आते हैं कहते हैं भैया हमने COVID-19 में इतना प्रसाद दिया है, इतनी दालें नहीं, आपने चावल पैसा दे दो, तो बेचारा कहते हैं हाँ दे देते हैं प्रभु जी, दे देते हैं बस, देते हैं कुछ करते हैं, तो उसके लिए भिक्षा ही मांगते रहते हैं प्रभु जी हमारे रोनी सुना प्रभु। सो मेकिंग टेम्पल्स इन द सिटी, समबडी आस्क्ड हिम कि ना आप ये शहरों में बना क्यों मंदिर बना रहे हैं, जंगलों में बनाइए ना, देखिए ना ज़्यादातर मंदिर कहाँ होते हैं, जंगलों में होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, आप तो सिटी के सेंटर में आप मंदिर खोलते हो एकदम। उन्होंने कहा क्योंकि हरी कथा की ज़रूरत यहाँ पर है, इसीलिए हम सेंटर यहीं पे खोलेंगे। इवन विले पार्ले जो कि उस समय में मुंबई के थोड़े आउटस्कर्ट्स में था, अभी तो मुंबई का पार्ट बन गया हो, वहाँ पर एक टेम्पल मिल रहा था, बक्सर वाले ने मना कर दिया, कहते नहीं ये आउटस्कर्ट्स में नहीं, हमें सिटी में ही चाहिए हमको। इनफैक्ट ही वुड एनकरेज डिवोटीज टू गो आउट एंड प्रीच, अगर एक प्रोग्राम में एक भक्त गया तो प्रोग्राम में कोई आया नहीं, कहा गुरुदेव में गया लेकिन वहाँ कोई आया नहीं, एक आध व्यक्ति बस आया हुआ था, कहा तो क्या हुआ तुम प्रचार के लिए गए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तुम जाते हो चाहे भिक्षा मांगो या प्रचार करो, प्रचार के वक्त जो आप जो बोलते हो ना उससे आप खुद तरते हुआ, यू योर सेल्फ बिकम कृष्ण कॉन्शियस, प्रीचिंग करके हम खुद भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इसे जो तुम बोलोगे उससे तुम्हारा खुद की भक्ति बढ़ेगी, इसे तुमको प्रचार करना चाहिए। प्रोग्राम में कोई नहीं आया, दीवारें तो थी ना, 4 दीवारों को सुना के आ जाओ, पर प्रचार अवश्य करो, नेवर गेट डिस्करेज्ड जस्ट बिकॉज प्रोग्राम में कुछ लोग आए, कम लोग आए, ज़्यादा लोग सुनने के लिए नहीं आए, नॉट अ प्रॉब्लम, नहीं जाना चाहिए प्रीचिंग करने के लिए, इवन प्रीच टू द 4 वॉल्स बट यू मस्ट प्रीच। और इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने भी जब न्यूयॉर्क में जब कथा कर रहे हैं, तो हफ्ते में 3 दिन जब हुआ करती थी क्लास, भगवद्गीता क्लास, तो प्रभुपाद जी की शुरू की जो क्लास है उसमें इंट्रोडक्शन बता रहे हैं वो भगवद्गीता का, उस क्लास में कोई नहीं आया, बट देन ही रिमेंबर्ड माई गुरुदेव सेड प्रीच टू द वॉल्स बट यू मस्ट प्रीच, तो उस वक्त उन्होंने वो लेक्चर दिया एंड ही जस्ट रिकॉर्डेड इट,
और वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आज हम पढ़ते हैं गीता सार के रूप में। जो बुक देखे ना गीता सार, एक्चुअली ये वो लेक्चर है जो श्री प्रभुपाद जी ने दिया था, और उसका फोर्स एडिटिंग किया उसी काफ़ी ज़्यादा, पर इन द बिगिनिंग इट वॉज दैट लेक्चर जिसको किसी ने सुना था। लेकिन कृष्ण ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि मेरे भक्त ने जो लेक्चर दिया है वो मैं ऐसे खाली कैसे जाने दूंगा। कितने सैकड़ों लोगों ने वो बुक पढ़ी है गीता सार, अस्सी वाला गीता सार, वो नकली वाला गीता सार जो बोलता है ना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, लोग मर रहे हैं वो अच्छी बात है, तो क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, ये तो खैर नकली वाला गीता सार है। असली गीता सार विच इज एक्चुअली गीता का सार, वो श्री प्रभुपाद जी ने तब दिया था जब क्लास में कोई भी नहीं था, तो उसको ट्रांसक्राइब करा करके एडिट करके स्मॉल बुकलेट की फॉर्म में, आप देखा 10 रुपये किताब जो आती है गीता सार, दैट इज दैट बुक एक्चुअली गीता गीता सार। सो इन दिस वे ही वुड टेल हिज डिवोटीज दैट दैट दे शुड प्रीच। साथ ही सबमिशन के लिए बोला करते थे, अ डिसाइपल शुड ऑलवेज बी रेडी टू ऑर्डर द फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। उन्होंने लेकिन गुरुदेव, आप एक भक्त को बोला कि ना तुम जाओ वहाँ पर सेवा करने के लिए जाओ, कहते गुरुदेव ने कि मैं सामान इकट्ठा कर लूँ, मैं 2-3 घंटे दे दिए सामान इकट्ठा करके, क्या तुम निकलो पीछे पीछे सामान भेज रहा हूँ मैं, पर तुम जाओ। सो वो द सेम डिवोटी जो कि जर्मन था, नाउ ही हैड बिकम डिसाइपल नाउ, उन्होंने बोला एक्चुअली ना हम लोग जर्मनी में हमारा ये कल्चर है कि हम हफ्ते पहले प्लान करते हैं, एक हफ्ता पहले कि हमें क्या करना है, ऐसे इमिजिएटली आप अगर बोल देंगे तो फिर हमारे से ना फिर वो सेवा हो नहीं पाएगी, बिकॉज हम जो है ना ये जो है ना वो जो है ना हम लोग प्लानिंग करके जो है ना वो जो है ना काम करते हैं हम लोग। भक्त ने कहा पर मेरे को 5 मिनट पहले इंस्ट्रक्शन मिलती है किन से, गौर किशोर बाबा जी महाराज से, गौरंग महाप्रभु से मेरे को ऐन मौके पर मिलती है ना, तो इससे फिर मैं उसी वक्त बताता हूँ, मेरे को 5 मिनट पहले मिली है अभी तो तुमको बस अभी करना है। नॉट दैट ही वॉज अगेंस्ट प्लानिंग, बट ही वॉज से कि जैसे ऑर्डर मिले ना वी शुड जस्ट गेट इन टू एक्शन। कभी कभी ये सोचते हुए कि हाँ बस करते हैं बस करना है, हाँ बस करते हैं ये बहुत ज़रूरी है करना है, ये मतलब बकर के रहेंगे हम लोग, वो ये बोलते बोलते साल भी दिया, कहते सर वो बोल रहे थे हाँ प्रभु जी मैं माला तो जप ली उसकी करेंगे करेंगे लेकिन करा कुछ भी नहीं। सो वी शुड जस्ट गेट इन टू इट, करते करते जो फिर चीज़ें जो है फिर होनी शुरू हो जाती है। अफकोर्स वी शुड बी मे डू लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग एंड ऑल दैट, लेकिन जब गुरु कुछ बोले जाना है तो भाई वो जाना है बस, अब निकलना है बस अब आगे, लाइक दैट। सो इन दिस वे ही वुड से दैट डिसाइपल शुड ऑलवेज बी रेडी टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, लाइक दैट। ओके ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर नाउ।